वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो दोस्तों कल हमने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज हमने कल किए थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सर्वेइंग के बारे में कुछ और टॉपिक्स। यहाँ पे और टॉपिक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली आपको बोलूँ दोस्तों, तो हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे आज जो बात करेंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे कि एग्जाम के अंदर हमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, या रिविजन हमारा जो है यहाँ पे आज होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, पेपर वेपर कोई कैंसिल नहीं होगा अभी तक अगर हम माने तो, जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन अपनी रखिए। जो डेट आपको बताई गई है 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करें सर्वेइंग क्या है। आप सभी को पता है आर्ट आर्ट एंड साइंस है। कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको सर्वेइंग करनी होती है, उसके बारे में जानना होता है। उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं पेपर के ऊपर, चाहे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, चाहे न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करें, चाहे आप डिटेल्स में मेंशन करें, कैसे भी करें, ये सारा सर्वेइंग है। क्या क्यों करते हैं हम अलग अलग पॉइंट्स के बीच में? टू डिटरमिन रिलेटिव पोजिशन बिटवीन द पॉइंट्स, टू मार्क लेआउट, लेआउट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उसकी, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम आगे हमारा जो वर्क है वो प्रोसीड करें। क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है, एरिया और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ती है। अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में न्यूमेरिकली अगर आप डिस्टेंस बताएंगे पॉइंट ए बी के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 260 किलोमीटर, ये बता सकते हैं। ग्राफ के ऊपर बताएंगे तो इन दोनों को आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके बता सकते हैं। फिर आप बात करें प्लान क्या होता है और मैप क्या होता है, तो मैप जो होता है, यहाँ पे सवाल जो आता है वो आता है कि इन दोनों में से स्केल किसका लार्ज होता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, वन अपॉन डेनोमिनेटर, जितना ज्यादा डेनोमिनेटर होगा उतना ही स्केल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना ज्यादा डेनोमिनेटर उतना ही क्या हो जाएगा, स्केल कम हो जाएगा। तो आप ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि अगर आप एक किसी प्लॉट को, लेट अस से वो 100 बाय 100 फीट का प्लॉट है, उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं एक शीट ऑफ पेपर के अंदर, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे? आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट आप रिप्रेजेंट कर लोगे, आपके पास बहुत ही बड़ी शीट अगर है तो भी, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर आप ये कह लीजिए कि 100 बाय 100 मीटर है, लेट अस से 100 बाय 100 मीटर है, तो आप ये कह लेंगे कि आपने जो रिप्रेजेंट किया वो कैसे रिप्रेजेंट किया। देखिए, तो यहां से आप कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, या आप ये कह देंगे 1 अपॉन 100 हो जाएगा आपका जो स्केल है वो। लेकिन यहीं पे आप बात करें किसी कंट्री की, तो कंट्री के लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, लेट अस से 100 किलोमीटर में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 किलोमीटर को पहले आप कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, और फिर मीटर से किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो आपका जितना ज्यादा डेनोमिनेटर होता जा रहा है उतना ही स्केल जो है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो मैप के लिए आप स्केल जो है वो स्मॉल यूज करते हैं, अगर आप प्लान की बात करें तो लार्ज स्केल का इस्तेमाल आप करते हैं। आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे आप मेजरमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, एज सच इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। हम आज उन टॉपिक्स पे ही फोकस करेंगे डायरेक्ट। आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आपका एग्जाम है जस्ट थोड़ी देर बाद, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको फटाफट दिमाग में आने चाहिए उनके बारे में। शेप ऑफ द अर्थ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो अर्थ की शेप कैसी है, उसको बोला गया ऑबलेट स्फेरॉइड है। ऑबलेट स्फेरॉइड का मतलब क्या है कि जो पोल्स हैं उनके ऊपर स्लाइटली फ्लैट है, और पोलर एक्सिस इज 43.5 किलोमीटर स्मॉलर देन द इक्वेटोरियल एक्सिस, कि अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे और इस पोलर एक्सिस को मेजर करेंगे, तो ये पोलर एक्सिस जो है ये छोटी है बाय 43.5 किलोमीटर, जो इक्वेटोरियल वाली है उससे। एलिप्सॉइड की बात करें तो इक्वेटोरियल जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन स्लाइटली एलिप्टिकल है। फिर बोला गया कि ओवेलॉइड, ओवेलॉइड का मतलब ये है कि ये जैसे आप ये कह सकते हैं ओवल शेप की है या एग जैसे से शेप की है ये, तो सदर्न हेमिस्फीयर है वो लार्जर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो थोड़ा सा छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो ओवेलॉइड। फिर बोला गया कि ऐसे इन सबको अगर हम देखें तो कोई ऐसा फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है अर्थ का, इसीलिए हमने बोला कि क्या शेप होती है, अर्थ की शेप जो होती है वो क्या होती है, जियोइड शेप होती है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है शेप ऑफ द अर्थ के बारे में, तो वो आपको फाइनली क्या बताना है, दैट इज जियोइड। नेक्स्ट, फिर बात आती है लेवल सरफेस क्या होता है। अर्थ के सरफेस के पैरेलल जो सरफेस चलते हैं वो लेवल सरफेस होते हैं। लेवल लाइन, लेवल लाइन एक कर्व्ड लाइन होती है लेवल सरफेस के ऊपर जो होती है, ठीक है। तो ये कैसी लेवल लाइन होती है, क्या होती है, ये एक कर्व्ड लाइन होती है लेवल लाइन, अगर आपसे पूछा जाता है तो। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, प्लेन टेंजेंशियल होगा, किसी भी सरफेस के ऊपर आप बनाएंगे टेंजेंशियल, अर्थ के सरफेस के टेंजेंशियली बनाएंगे अगर आप तो। नेक्स्ट, ग्रेट सर्किल पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड कर दे वो क्या कहलाता है, एक ग्रेट सर्किल कहलाता है, ठीक है। पूरी अर्थ को अब कितने भी नंबर ऑफ सर्किल आप बना सकते हैं, ये आपकी अर्थ है, इसके ऊपर आप सर्किल चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, कैसे भी, कितने आप एन नंबर ऑफ टाइम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो। तो ग्रेट सर्किल जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। स्फेरिकल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, अलग अलग ग्रेट सर्किल जो होते हैं, तीन ग्रेट सर्किल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और इनकी आर्क जो एक ट्राइंगल बनाती है, जो कि प्लेन ट्राइंगल नहीं होता है, स्फेरिकल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल ट्राइंगल कहते हैं। क्लियर। चलें आगे। भाई पीडीएफ से क्यों परेशान हो, आप क्लास में पढ़ने आते हैं, पीडीएफ लेने आते हैं, पहले ये बता दो, चीज क्लियर कर दो, तो फिर उसी अकॉर्डिंग अपने प्रोसीड कर लेंगे। पीडीएफ चाहिए होती है तो फिर क्लासेस ही बंद कर लेते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ लो, पढ़ो आराम से, किताबें बहुत है, फिर किताबों में पीडीएफ से अच्छा लिखा है। चलो आगे बढ़े। स्फेरिकल ट्राइंगल, स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज स्फेरिकल ट्राइंगल। देखो पीडीएफ हेल्प करती है, ठीक है समझ लिया, लेकिन जब पढ़ना है तब पढ़ लो ना, पीडीएफ का बाद में भी बोल सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम बता देते हैं। स्फेरिकल एंगल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू द ग्रेट सर्किल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पे इंटरसेक्शन होंगे इन ग्रेट सर्किल्स के ऊपर आप टेंजेंट बना लीजिए, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल एंगल हो जाएगा। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय दैट साइड ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। कोई भी आपको स्फेरिकल ट्राइंगल जो है, इस स्फेरिकल ट्राइंगल की साइड जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जितना अर्थ के सेंटर के ऊपर वो एंगल सबटेंड करेगा उतना, ठीक है। नेक्स्ट, सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये सारे पॉइंट्स जो है अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। सो ईच एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्राइंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए एंगल। सम ऑफ थ्री स्फेरिकल साइड्स जो है वो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। सम ऑफ स्फेरिकल एंगल्स ये 180 से लेकर 540 के बीच में रहना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, जितना 180 डिग्री से ज्यादा स्फेरिकल ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका जो सम है 180 डिग्री से जितना ज्यादा होगा उसी को हम क्या कह देते हैं, स्फेरिकल एक्सिस बोल देते हैं। सरफेस एरिया जो है वो लेस देन 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, जहां पे आर रेडियस ऑफ अर्थ है। फिर हम बात करें प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, दोस्तों इन सर्वेइंग के अंदर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डेटा आपको बताते हैं। कल हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था वो 260 किलोमीटर स्क्वायर है, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग बुक के अंदर ये अलग अलग डेटा दे रखा है कि प्लेन सर्वेइंग कब करेंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग कब करेंगे। तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास से ज्यादा अगर एरिया होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे जियोडेटिक सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, और अगर उससे कम है तो प्लेन सर्वेइंग का यूज करेंगे। क्लियर। चले नेक्स्ट, इसके बाद बेसिक बेसिक इसकी डेफिनेशंस हैं, आपको ये चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज ये थी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, टोपोग्राफिकल सर्वे होती है, किसी एरिया के जो फीचर्स होते हैं, लैंड फीचर्स जो होते हैं जिनको टोपोग्राफी कह देते हैं, उनके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो टोपोग्राफिकल हो जाएगा। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग के पर्पज से पढ़ रहे हैं, कोई ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाने हैं, आपको हाईवे बनाना है तो उसके लिए आप इंजीनियरिंग सर्वे कर लेते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे, जब भी आप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं
तो वहां पे आप क्या करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। हाइड्रोग्राफिक पानी से रिलेटेड जो सर्वे हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल जो कि आपकी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उनको आप करते हैं। फिर उसके बाद जियोलॉजिकल, रॉक्स के बारे में, अर्थ के स्ट्रेटा के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो ये जियोलॉजी के अंदर आ जाता है। फिर आप क्लासिफाई कर सकते हैं सर्वेइंग को इंस्ट्रूमेंट के बेस पे, चेन से कर रहे हैं तो चेन सर्वेइंग, कंपास से कर रहे हैं तो आप एंगुलर मेजरमेंट्स लेंगे वहां पे, थियोडोलाइट से कर रहे हैं तो थियोडोलाइट सर्वे, लेवलिंग हो जाएगा, प्लेन टेबल की हेल्प से करेंगे तो प्लेन टेबल सर्वेइंग, टैक्योमेट्री या फोटोग्रामेट्री। बेसिक प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आता ही आता है और जो आपको याद है ही है आराम से अच्छे से। पहला प्रिंसिपल क्या है, दो प्रिंसिपल्स हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पूरे से पार्ट्स की तरफ चलेंगे ट्राइंगल में उसको डिवाइड करते हुए पूरे एरिया को। और उसके बाद लोकेटिंग अ पॉइंट एटलीस्ट बाय टू मेजरमेंट, क्लियर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आते हैं अलग अलग स्केल के बारे में। तो स्केल आपको पता है, लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन अ प्लान और मैप अपॉन लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, मिस्टेक एंड एरर के बारे में बात करते हैं। तो मिस्टेक क्या होती है, दीज आर डिस्क्रिपेंसीज कॉज्ड ड्यू टू केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, पुअर जजमेंट, प्रॉपरली आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मेजरमेंट ढंग से नहीं ली, ठीक है, आपने जल्दबाजी के अंदर क्या किया, मेजरमेंट में ही गड़बड़ कर दी, या आपने पढ़ा कुछ वहां पे मेजरमेंट में, नोटबुक में कुछ और लिख दिया, ठीक है, तो जो आपने रिकॉर्ड बुक के अंदर कुछ और लिखा, तो ये सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। एरर का मतलब क्या होगा, एरर में आपकी गलती नहीं है, आपने अच्छे से उसको किया है लेकिन किसी और रीजन की वजह से, जैसे टेप जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, स्टैंडर्ड पुल आपने ध्यान नहीं दिया कितने पुल से उसको करना है, तो मिस्टेक मतलब केयरलेस की वजह से आपने लापरवाही कर दी उसमें, और एरर का मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखा लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक्सटर्नल, जैसे कि आप मान लीजिए सैग रह गया, अब आप कितना ही, अब हमारा ह्यूमन जो कितनी ही एक्यूरेटली आप उसको हैंडल कर पाएंगे, पूरा हॉरिजॉन्टल तो नहीं रख पाएंगे कभी भी चेन या टेप को, तो कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट, फिर आता है एरर। तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था, एबीसीडी में पहले आता है ई, फिर उसके बाद आता है एम, फिर उसके बाद आता है टी। तो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, और इसका ऑपोजिट हो जाता है क्या, करेक्शन, क्लियर। चलिए आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव एरर हो सकता है जो ऐड होता जाएगा। मान लीजिए कोई टेप है, उस टेप के अंदर क्या है, एरर है, तो आप जितनी बार उस टेप से मेजरमेंट करेंगे उतने बार वो एरर जो है वो क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, क्यूमुलेट होता जाएगा, तो ये क्यूमुलेटिव एरर हो गया। रैंडम या फिर एक्सीडेंटल एरर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपने कोई डिटेल मिस कर दी या फिर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, रैंडम एरर हो जाएगा। फिर ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, कंपनसेट कर देता है, मान लीजिए एक बार आपने क्या किया, चेन को ज्यादा ही जोर से खींच दिया तो क्या हो गया, वो स्ट्रेच हो गया, एक बार आपने उसको ढीले छोड़ दिया तो एक बार मेजरमेंट ज्यादा कर दिया, एक बार कम कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरर जो है वो कंपनसेट हो जाते हैं, तो ये आ जाते हैं एरर्स के बारे में। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, तो ई एम का फॉर्मूला क्या होता है, ई एम इक्वल्स टू प्लस माइनस ई अपॉन √10, जहां पे एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं ऐसा सवाल आता है तो आप इनका यूज कर सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा ऐसे पूछने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। लीनियर मेजरमेंट्स पे आ जाते हैं, जहां पे आपको लेंथ मेजर करनी है लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर, तो डायरेक्टली चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर जहां से सवाल बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक आपका जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो आता है कि रेडियो वेव या माइक्रोवेव से आप कैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो वो डिस्टोमैट होता है और टेल्यूरोमीटर होता है, जो कि मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, तो ये आप याद रख लेना बस, टेल्यूरोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चेन सर्वेइंग के अंदर एक फॉलोवर का, लीडर का क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे क्या कहता है कि यहाँ पे एक फॉलोवर होता है, फिर उसके बाद एक लीडर होता है, यहाँ पे लीडर क्या करेगा, यहाँ पे एक एरो छोड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, फिर लीडर यहाँ से चल के लीडर यहाँ चला जाएगा, और फॉलोवर क्या करेगा, फॉलोवर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से ये एरो उठा लेगा। कुल मिला के जब इन्होंने स्टार्ट किया मेजरमेंट करना, तो फॉलोवर यहाँ पे था, लीडर यहाँ पे था, दोनों ने यहाँ पे चेन जो है वो स्ट्रेच की, उसके बाद मेजरमेंट स्टार्ट करने के बाद फॉलोवर आगे चला गया, और सॉरी लीडर आगे चला गया, फॉलोवर ने आके यहाँ ये जो एरो पड़ी थी इसको उठा लिया और आगे बढ़ता गया। तो जितने एरोज फॉलोवर के हाथ में होंगे उतने चेन डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट,
फिर उसके बाद बात करें कि प्रोसीजर इन चेन सर्वेइंग एज सच ऑब्जेक्टिव में इतना कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आप पूरे एरिया को छोटे छोटे ट्राइंगल्स के अंदर बना देते हैं, मेन सर्वे लाइंस बनाते हैं, मेन चीजें यहां से क्वेश्चन शुरू होंगे आपके। देखो मेन स्टेशन क्या होता है, आपने पूरे एरिया को एनक्लोज कर लिया बाउंड्रीज के थ्रू, या फिर आप ये कह लीजिए कि अलग अलग जो ट्राइंगल्स मेन मेजर जो ट्राइंगल बनते हैं इनकी जो साइड्स होती हैं, इनके जो वर्टाइसिस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मेन स्टेशंस कहते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ए बी सी डी, ये जो है मेन स्टेशंस हैं। इन मेन स्टेशंस को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेन सर्वे लाइन कहते हैं। इन सर्वे लाइंस के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट्स होंगे जैसे ई और एफ है, इनको कहते हैं हम टाई स्टेशन या फिर ऑक्सिलरी स्टेशन। इनको क्या कहते हैं, टाई स्टेशन या फिर ऑक्सिलरी स्टेशन कहते हैं इनको। और इन टाई स्टेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन, जैसे कि ये लाइन ई एफ है, तो ई एफ लाइन को हम क्या बोल देते हैं, टाई लाइन कहते हैं। फिर आती है बेस लाइन। बेस लाइन जैसे कि यहाँ पे आपको पूरे एरिया को वो ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, या फिर सेंट्रल रीजन से पार्ट्स पास करती है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। चेक लाइन के बारे में सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, कल हमने किया भी था कि चेक लाइंस क्या होती हैं या यूज क्या होता है इनका। जब आपने जो आपका सर्वेइंग कर रखा है, आपने प्लॉट कर दिया उनको, उसके बाद आप फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, फिर सेम दो पॉइंट्स को आप अपनी शीट के अंदर उनको मेजर करेंगे और स्केलिंग के अकॉर्डिंगली। तो अगर वो जो कैलकुलेशंस हैं आपकी मैच कर जाती हैं, इसका मतलब आपने जो सर्वे किया है, आपने जो प्लॉट किया है उसको तो बिल्कुल सही किया, नहीं किया तो हो सकता है कुछ में कुछ गड़बड़ हो, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। चेन एज की बात करें तो चेन की हेल्प से जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं अलोंग द लाइन, अलोंग द लेंथ करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, चेन एज कहलाता है। वेल कंडीशन ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, वेल कंडीशन का मतलब ये होता है कि कोई भी, आपको पता है तीन लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं, कोई भी दो लाइन यहाँ इंटरसेक्ट की, फिर ये यहाँ, तीन लाइंस जब इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको एक ट्राइंगल मिलता है। तो अब वेल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, आप ये इमेजिन करिए, ये इस तरीके से एक लाइन आई, ये कुछ दूसरी लाइन आई और ये कुछ तीसरी लाइन आई, तो इनके अंदर जो इनका इंटरसेक्शन है वो जो प्रॉपरली डिफाइंड सा नहीं मिलता है, जब इनके बीच का एंगल जब बहुत छोटा होता है, या फिर आप ये कह लीजिए एंगल बहुत बड़ा हो जाए, एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन कुछ ऐसे आ गई, तो 180 से लगभग थोड़ा बहुत ही कम हो इसका एंगल, तो ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हो पाते हैं। तो इंटरसेक्शन क्लियरली दिखे इसलिए इनके बीच का जो एंगल रहना चाहिए वो कहां से कहां तक, 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। वेल कंडीशन ट्राइंगल के बारे में आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका आ जाता है वो ये चार चेन्स जो है इनको आप याद कर लीजिए, रेवेन्यू, गंटर, इंजीनियरिंग और मेट्रिक चेन। सबसे पहले आपको बताया रेवेन्यू जो है अच्छा बच्चा नहीं है, इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए 33 नंबर आते हैं इसके, तो 33 फीट इसकी लेंथ होती है, 16 लिंक्स होते हैं इसके। फिर गंटर लेके आता है, गंटर एवरेज स्टूडेंट है, ये 66 मार्क्स लेके आता है, कितने में से, 100 में से। फिर आ जाते हैं आप लोग स्मार्ट इंजीनियर्स, 100 फीट, 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं, तो 100 फीट 100 लिंक्स, क्लियर। बस इसको यहाँ पे 16 लिंक अलग से याद रखना पड़ेगा आपको रेवेन्यू के लिए। फिर आती है मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन याद रखने में कोई दिक्कत है ही नहीं, 20 मीटर की आती है, 30 मीटर की आती है, और 20 मीटर वाले में होते हैं 100 लिंक्स और 30 मीटर वाले में होंगे 150 लिंक्स। चलें आगे, यहां से सवाल बनते हैं। फिर उसके बाद क्लोथ टेप या लिनन टेप जो होती है, मेटेलिक टेप, स्टील टेप, इनके क्या क्या यूज होते हैं, क्या इनके मेरिट डीमेरिट है, ये आपसे पूछ लेते हैं। इनवार टेप की अगर हम बात करें तो यहाँ से सवाल बन जाता है। इनवार टेप जो होती है निकेल और स्टील से बनी हुई होती है, परसेंटेज कभी कभी पूछ लेता है इनका, 36 और 64। ए बी सी डी में पहले एन आता है, 1 2 3 4 में 36 आता है, और फिर बाद में एस आता है, और काउंटिंग में 64 बाद में आता है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सेसरीज यूज्ड इन चेनिंग, पैक्स जो होती हैं क्या काम होती है, टेम्परेरी पॉइंट्स को मार्क करने के काम आती है। एरोज आपको जैसे बताया, फॉलोवर, लीडर, चेन जो होती है, चेन के डिस्टेंस मेजर करते हैं वहां पे काम आ जाती है, एरोज कुछ ऐसे दिखती हैं। फिर उसके बाद हम बात करें रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड क्या साइटिंग के काम आती है। क्लियर, आगे चलते हैं।
ऑफसेट रोड में बस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेने के लिए यहाँ पे क्या बना होता है, एक टाइप से कट बना होता है या ग्रूव कह सकते हैं, स्लॉट बना होता है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़े, फिर आता है क्रॉस स्टाफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्रॉस स्टाफ से आप क्या करते हैं, 90 डिग्री पे जब भी आपको ऑफसेट लेना हो, यहाँ पे एक आई वेन होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन होती है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं इसके थ्रू देख सकते हैं। फिर आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के बारे में सवाल बनते ही बनते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 135 डिग्री पे आप एंगल्स मेजर कर सकते हैं, मतलब आप ऑफसेट ले सकते हैं। क्लियर? गेट 2021 बैच स्टार्ट होगा बिल्कुल एसएससी के जस्ट बाद। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है, डबल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऑप्टिकल स्क्वायर किस पे डिपेंडेंट होता है, डबल रिफ्लेक्शन के ऊपर इसका प्रिंसिपल होता है। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता। क्या होता है? रिफ्रैक्शन नहीं होता, रिफ्लेक्ट होता है। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। इसमें दो मिरर लगे होते हैं, आप ये याद रख लेना, इसमें दो मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ऑप्टिकल स्क्वायर में। तो मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्रैक्ट नहीं करता। फिर आता है प्रिज्म स्क्वायर, ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल होता है उसका यहाँ पे, लेकिन क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर की वजह मिरर की जगह प्रिज्म लगा होता है यहाँ पे। क्लिनोमीटर की बात करें तो एक प्रोट्रेक्टर जैसा दिखता है, जैसा कि आपको यहाँ पे है, ये एंगल्स मेजर करने के काम आता है। फिर रेंजिंग की बात करें, रेंजिंग में आप क्या करते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट सेटअप जब भी आपको करने होते हैं रेंजिंग का यूज होता है। डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग, दो टाइप की रेंजिंग होती है। अगर आपको दो पॉइंट्स डायरेक्टली विजिबल ना हो, जैसे कि पॉइंट ए है और जैसे पॉइंट बी है, तो आप क्या करते हैं, दो पॉइंट सी और डी सेटअप करते हैं, सच दैट सी से आपको क्या दिखे, बी और डी क्लियरली दिखे, और डी से आपको क्या दिखे, ए और सी क्लियरली दिखे। नेक्स्ट, फिर उसके बाद करेक्शंस पे आ जाते हैं, तो ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद रखने हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का जो करेक्शन होता है उसको आप क्या करेंगे, मेजर्ड जितनी लेंथ आपने मेजर की इनटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द टेप अपॉन डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ द टेप। इससे याद रख सकते हैं, इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में आपको ट्रू लेंथ दे देगा, मेजर्ड बाय टेप का डेजिग्नेशन दे देगा, इतने मीटर की टेप थी, जो डिस्टेंस मेजर किया वो दे देगा, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, इनकरेक्ट और एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेप अपॉन डेजिग्नेटेड लेंथ मल्टीप्लाइड बाय मेजर्ड लेंथ ऑफ द लाइन, तो आपके पास करेक्ट डिस्टेंस या ट्रू लेंथ आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद करेक्शन फॉर स्लोप। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्लोप पे अगर कोई डिस्टेंस मेजर किया एल, और अगर ये एंगल होता है थीटा, तो आपको पता है ये एंगल कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा। तो ज्यादा फॉर्मूले याद मत रखिए, यहाँ पे आपने ये याद रख लिया, और एक चीज आपको ये पता है, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो आप जो भी पूछा गया आपसे, करेक्शन पूछा तो करेक्शन बता दोगे, एरर पूछा जाएगा तो एरर बता दोगे। आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला और आता है, यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो इससे इसी से बचने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l। तो जितने डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्टिकली एलिवेशन का, वो डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2l, ये आपका करेक्शन हो जाएगा स्लोप के लिए। सेम क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। पुल की अगर हम बात करें तो पुल का आपको पता है, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल याद कर लीजिए, इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल अपॉन ए ही होता है। तो यहाँ पे ये पी लोड क्या था, वो लोड था जो कि ये डेल्टा एल इलोंगेशन ला रहा था। तो सेम तरीके से हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि जितना स्टैंडर्ड पुल होता है उससे ज्यादा कितना लगाया, तो यही तो हो जाएगा स्टैंडर्ड पुल। अगर पी नॉट था, पी लगाया एक्चुअल में हमने, तो पी माइनस पी नॉट हो गया, तो पी इंटू एल अपॉन ए। तो ये भी आपको अलग से फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ा, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था हमने, जिसको ये क्वेश्चन करना हो वो वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन देखना और खुद से सॉल्व करना दोबारा। आगे बढ़ते हैं, करेक्शन फॉर टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो टेम्परेचर के लिए दोस्तों हमने ऑलरेडी बात की थी, टेम्परेचर करेक्शन जो आपका होता है अल्फा डेल्टा टी, हमने क्या बोला था, स्ट्रेन की बात की थी। बताओ स्ट्रेन क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से अगर अल्फा है, अल्फा कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फा, यही होता है। तो आप क्या बोलते हैं, जो करेक्शन आएगा वो किसके बराबर, या स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन किसके बराबर होता है, अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है, यही होता है स्ट्रेन।
या अल्फा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ये होता है स्ट्रेन पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, स्ट्रेन पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, और इसीलिए इसकी यूनिट क्या आ जाती है? पर डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो आता है। तो यहां से आया स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो अल्फा डेल्टा टी आ गया। यहां से आपके पास डेल्टा एल या इलोंगेशन जो हुआ वो क्या आ जाएगा आपके पास? अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू एल, यही तो यहां पे लिखा है, तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड इक्वेशन किया था हमने, चेंज इन टेम्परेचर आपको दे रखा होगा, अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी, बस माइनस करना है, कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट आया करेक्शन फॉर सैग। सैग का मतलब क्या हुआ कि दो दोस्त जो थे उन्होंने टेप से मेजर करना था, मेजर तो करना था डायरेक्ट डिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में, लेकिन उन्होंने क्या किया, चेन या टेप को टाइटली होल्ड करके नहीं रखा और उसको ऐसे झुला दिया, तो इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो आप एक्चुअल डिस्टेंस बताने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में अपने लिख लीजिएगा, माइनस स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर इन टू एल अपॉन 24 पी स्क्वायर, और अगर आप टोटल वेट ऑफ द चेन मेजर कर रहे हैं तो उसको कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इन टू एल आपको ये मिल जाएगा, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द टेप। इसी में अगर नंबर ऑफ बेज बना दे, जैसे यहाँ पे ये बनी हुई है, अलग अलग नंबर ऑफ बेज का अगर आपसे पूछा जाए तो अगर ये एन की वैल्यू भी आ जाएगी इसमें, तो आप यहाँ पे माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर, या फिर अगर आप पर यूनिट लेंथ में ले रहे हैं तो डब्ल्यू इंटू एल और पूरे का स्क्वायर फिर इंटू एल अपॉन 24 एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। हाँ, करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज नेगेटिव होता है क्या? करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी कर्व्ड लेंथ को मेजर करेंगे और एक डायरेक्ट लेंथ को, ये कर्व्ड वाली लेंथ क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ, और ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड लेंथ, तो कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो आर्क से हमेशा कम ही होगी। एन क्या है, एन नंबर ऑफ बेज, जितनी नंबर ऑफ ये बे बनी हुई है, क्लियर। अगर कोई टफ क्वेश्चन पूछना हुआ आपसे तो टफ क्वेश्चन के फॉर्म में वो क्या पूछेगा आपसे कि जितना आपका पुल की वजह से जो जो करेक्शन आता और जो सैग की वजह से है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कैसे करेंगे, तो इन दोनों करेक्शंस को बस इक्वेट करवा देना आपको। फिर यही क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड, करेक्शन से रिलेटेड। फिर मीन सी लेवल के करेक्शन की अगर हम बात करें कि कोई डिस्टेंस आपने कहाँ मेजर किया है, कोई दो पॉइंट के बीच में जब भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो किसके रेफरेंस में करते हैं, मीन सी लेवल के रेफरेंस में करते हैं। अब आपने अर्थ से कितने एलिवेशन पे आप खड़े हैं, जिस कंट्री में जहां भी आप हैं, तो आपने कितने एलिवेशन पे जाके वो पॉइंट जो है वो मेजर किया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ की शेप थी, लेट अस से ये अर्थ था हमारी, अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना था एक्चुअल में, तो ये आपने ए बी डिस्टेंस ये मेजर करना था मीन सी लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन आपने कौन सा डिस्टेंस मेजर कर दिया, आपने ये वाला डिस्टेंस मेजर कर दिया, तो इन दोनों के बीच में जो एरर निकल के आता है वो कितना आता है, माइनस एच बाय माइनस एच एल अपॉन आर, क्लियर। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड इक्वेशन किया था, बस एच की वैल्यू दे देगा आपको, एल की वैल्यू दे देगा, कितने एलिवेशन पे कोई पॉइंट है, तो आपको बस फॉर्मूले पुट करने हैं। शॉर्ट नोट्स में ये चीजें जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप लिखते जाना, या फिर आप बाद में इस क्लास के बाद रोक के लिख लेना। करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मतलब ऐसे फॉर्मूले याद नहीं करने हमें। मिसअलाइनमेंट का मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जाना था, लेकिन आप घूमते फिरते गए, यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर उसके बाद यहाँ आ गए, तो आपको पता है ऑब्वियसली, चाहे तो आप ट्राइंगल्स का यूज कर लीजिए, कैसे भी यूज कर लीजिए, जो जो आपने एक्सेस मेजरमेंट की उसको रिड्यूस करना है बाद में। फिर उसके बाद फील्ड वर्क अगर आप करते हैं, तो सबसे पहले एरिया के बारे में आप बेसिक जानकारी जुटाते हैं, उसके टेरेन के बारे में, बेसिक फीचर्स के बारे में, तो इसको रिकॉन्सेंस सर्वे हम कहते हैं। फिर आप अलग अलग कैसे किस तरीके से पूरे एरिया को अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड करना है ये डिसाइड करते हैं। फिर स्टेशंस को मार्क करते हैं, सर्वे लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर ऑफसेट्स लेते हैं आसपास की और डिटेल्स जुटाने के लिए। फिर बात करते हैं क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, चेनिंग कोई अगर मान लीजिए लेक आ गया, उसके अराउंड चेनिंग आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चेनिंग अराउंड द ऑब्स्टेकल इज नॉट पॉसिबल, कोई रिवर आ गई तो रिवर के आसपास तो आप नहीं कर सकते ना, रिवर तो बहुत लंबी चौड़ी होगी।
क्रॉस स्टाफ सर्वे, क्रॉस स्टाफ सर्वे जैसा आप, मैंने क्रॉस स्टाफ आपको दिखाया 90 डिग्रीज पे, आप क्या कर सकते हैं इससे ऑफसेट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है, मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन में तो कितना होता है, 5 mm का होता है, और 30 मीटर चेन के अंदर कितना होता है, प्लस माइनस 8 mm का टॉलरेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद बात करें कि आपसे एक ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल आ जाता है, हिल्स पे अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो आपको बोलना है वहां पे स्टेपिंग डाउन स्लोप। उसके बाद चेनेज क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द चेन लाइन, चेन लाइन से या चेन से जो आप मेजर करते हैं उतना चेनेज, एक चेन, दो चेन, इतने चेनेजेस। अलाउेबल लेंथ ऑफ ऑफसेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऐसा क्वेश्चन आता है बस इससे रिलेटेड। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में आप कह सकते हैं एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट ओनली, ये भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट बात करें डबल लाइन फील्ड वर्क किसमें यूज करते हैं, ऑर्डिनरी चेन वर्क, चेन जो सर्वे वर्क है उसमें यूज करेंगे। ऑफसेट्स क्या होते हैं, लेटरल मेजरमेंट्स होती हैं, मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर या ऑब्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये ऑफसेट्स होंगे। करेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग एम्प्लॉयड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विजन, रेसिप्रोकल या फिर रैंडम लाइन मेथड, ये दो मेथड होते हैं। कंपस सर्वेइंग पे आ जाते हैं दोस्तों, कंपस सर्वेइंग ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है कि इसके अंदर लीनियर भी होता है। कंपस सर्वेइंग के अंदर हम क्या करते हैं, लेंथ वगैरह मेजर करते हैं ना, तो लीनियर मेजरमेंट्स भी करेंगे, एंगल्स मेजर करते हैं तो क्या होंगे यहाँ पे, एंगुलर मेजरमेंट्स भी होंगी। तो यहां दोनों काम हो रहे हैं। फिर क्या क्या आप कैसे कैसे ट्रैवर्स आपने बनाया, कंपास, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, ये भी हो सकता है। चेन सर्वे में, ट्रैवर्स सर्वे में क्या डिफरेंस है, बेसिक सी बातें हैं, ज्यादा इनमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काम की चीजें जहां याद करनी है वहां चलेंगे। ये टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स हो गए, हाँ जी। कंपास पे आ जाइए, कंपास दो टाइप के होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास होते हैं। इसमें ब्रॉड टाइप की निडल होती है प्रिज्मेटिक में, सर्वेयर के अंदर एज टाइप निडल होती है। इसमें तो ग्रेजुएटेड कार्ड रिंग जो होता है वो निडल के साथ ही जुड़ा होता है, इसमें ग्रेजुएटेड कार्ड इज अटैच टू बॉक्स, इसमें बॉक्स के साथ में जुड़ा होगा। ग्रेजुएशन जो होती हैं इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी लिखी होती हैं, और इसके अंदर क्या होती हैं, इरेक्ट होती हैं। रीडिंग इज टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म, इसमें प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे डायरेक्टली रीडिंग लेनी होती है आपको। ट्राइपॉड इसके लिए मे और मे नॉट, और यहाँ पे आपको ट्राइपॉड चाहिए ही चाहिए, इस इंस्ट्रूमेंट को बिना ट्राइपॉड आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन जो होती हैं इसमें तो होल सर्किल बेयरिंग में होती है, और इसके अंदर क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम के अंदर होती हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर ईस्ट और वेस्ट जो होते हैं सर्वेयर कंपास के अंदर, ये इंटरचेंज्ड होते हैं। क्लियर, यहां पे चले आगे। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे आ जाते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन का मतलब क्या होता है, ट्रू मेरिडियन एट अ पॉइंट ऑन अर्थ सर्फेस इज द लाइन जॉइनिंग जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आपको ट्रू मेरिडियन बताती है, ठीक है। ये समय के साथ चेंज भी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल आता है, ट्रू मेरिडियन एट अ प्लेस डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। सेफ स्कोर कितना होगा, सेफ स्कोर दोस्त कुछ नहीं कह सकते, नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंग एक प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है तब तक कैसे बताएं, ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या होता है, जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल या बार होती है वो जो हमें डायरेक्शन बताती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो आपके ट्रू मेरिडियन के साथ या पैरेलली अलाइंड हो, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रिड मेरिडियन क्या बोलते हैं हम, किसी भी कंट्री के लिए जो उसका सेंट्रल प्लेस होता है वहां से जो पास करती है लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। इसको रेफरेंस मेरिडियन भी ले सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जैसे कि हमारे इंडिया में प्रयागराज या इलाहाबाद है। नेक्स्ट, फिर आता है आर्बिट्रेरी
आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है? आपने किसी भी एक कोई पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी से कि हाँ इसको मैंने मेरिडियन मान के इसके अकॉर्डिंग मैंने एंगल्स जो है वो मेजर कर लिया, आर्बिट्रेरी मेरिडियन हो गया। फिर इसी के अकॉर्डिंग आपके बेयरिंग हो जाती है, जो आपने एंगल मेजर किया वो बेयरिंग हो जाएगा, एंगल बेयरिंग। फिर बात करें होल सर्किल बेयरिंग, होल सर्किल बेयरिंग के अंदर आप जो एंगल मेजर करते हैं कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्थ से लेके मेजर करेंगे, दिस इज योर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई भी अगर आपको बता दिया गया कि कोई लाइन ए बी है और उस ए बी लाइन की जो बियरिंग है वो कितनी है 45 डिग्री, तो आप नॉर्थ से 45 डिग्री चल लेंगे। लेट अस से ए सी लाइन है, उसकी बियरिंग आपको बता रखी है 115 डिग्री या 135, तो आपने क्या किया यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया और इसको बोल दिया ए सी की बियरिंग 135। तो कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे इसमें, और कहाँ तक ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 360 डिग्री तक जाएगी। यहीं अगर बात करें क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम की, तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम के अंदर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नॉर्थ या फिर साउथ से जो नियरेस्ट होगा वहां से करेंगे हम यहाँ पे। तो लेट अस से आपको कोई एक लाइन रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे, तो उसका अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो वो आप क्या बताएंगे, नॉर्थ से चलेंगे ईस्ट की तरफ और कितना 45 डिग्री। सेम तरीके से अगर आपको यहां पे एंगल बताना है 135, तो आप क्या बताएंगे, साउथ से चलेंगे 45 डिग्री किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, एंड सो ऑन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेंगे, ये वैल्यूज कहां से कहां तक जाएंगी, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाएंगी, 0 से 90 तक जाएंगी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको ये बेसिक फंडा याद रखना है बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का, सिंपल सी चीज। अगर आपको फोर बेयरिंग पूछा है या बैक बेयरिंग पूछा है और जो वैल्यू आपको दे रखी है अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 180 डिग्री है, तो उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो 180 डिग्री, और अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री है तो उसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो क्या 180 डिग्री। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से, एक क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। आपको बताना है इफ फोर बियरिंग इक्वल्स टू 30 डिग्री तो बैक बियरिंग क्या होगी, इफ फोर बियरिंग इज इक्वल टू 220 डिग्री बैक बेयरिंग क्या होगी, बताइए जल्दी से। सिंपल है, 210 डिग्री। कैसे कर लिया हमने इसको, देखो फर्स्ट केस में देखिए, आपने 30 डिग्री का एंगल मेजर किया, कहाँ से मेजर किया, नॉर्थ से, तो आपने क्या किया 30 डिग्री मेजर कर लिया। अब इसी की आपको बैक बेयरिंग देखनी है, तो यहां से आप बैक बेयरिंग देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये 30 ऐसे चले तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी 30 और ये पूरा कितना 180, तो 180 डिग्री प्लस 30 तो आ गया आपके पास 210 डिग्री, या फिर शॉर्ट फॉर्मूला की ये लेस देन 180 डिग्री है तो इसमें ऐड कर दो 180 डिग्री, तो बैक बेयरिंग इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपके पास 210 डिग्री। यहीं पे आप बात करें फोर बेयरिंग जो है वो 220 डिग्री है, अगर फोर बेयरिंग 220 डिग्री है इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एंगल मेजर करना शुरू करो, यहां से यहाँ 90, 90 फिर 180, 180 से लेके यहाँ पे कुछ 220 डिग्री आएगा, यानी कि जो लाइन आपकी बनी वो इस तरीके से बनी। अब आपको बतानी है क्या, फोर बेयरिंग आप मेजर कर लीजिए, ये 220 था तो 180 डिग्री तो ये माइनस कर दो, तो ये एंगल जो बच गया वो कितना बच गया, ये वाला एंगल आ गया आपके पास 40 डिग्री, तो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल से ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, और यही तो क्या हो जाएगी इसके लिए बैक बेयरिंग। तो 220 180 से ज्यादा है तो इसमें से कम कर दो 40 डिग्री। नेक्स्ट, अगर आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम के अंदर दे रखा हो तो क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, आपको क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है।
नेगेटिव वैल्यू आए तो ऐड कैसे करना है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं, क्यों आएगी नेगेटिव वैल्यू बताओ, अगर 180 डिग्री से कम है तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं, और अगर ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव कैसे आ जाएगी, वो इंक्लूडेड एंगल में आता है, जब इंक्लूडेड एंगल की बात करेंगे वहाँ आपको बताएंगे कि आपको 360 डिग्री ऐड करना है अगर नेगेटिव आ जाए तो। नेक्स्ट, चलिए एक आप जल्दी से ये बता दीजिए कि अगर आपको कोई एंगल दे रखा है और उसकी फोर बेयरिंग जो है वो क्या है, नॉर्थ से आप चलो 45 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो इसकी बैक बेयरिंग बता दो कितनी आ जाएगी। आपने क्या किया, पॉइंट ए पॉइंट बी यहां से यहां मेजर किया आपने 45 डिग्री, आपको बैक बेयरिंग वैसे एक्चुअल में कितना आना चाहिए, साउथ से चलेंगे 45 डिग्री वेस्ट की तरफ, वेरी सिंपल, यहां से चलेंगे ये साउथ हो गया, साउथ से चलेंगे 45 डिग्री किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, ऑल्टरनेट एंगल ये भी 45 होगा, वेरी सिंपल। तो नॉर्थ को तो क्या कर दो, साउथ कर दो, ईस्ट को क्या कर दो, वेस्ट कर दो, एंगल रख दो बीच में, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इंक्लूडेड एंगल की बात करें तो इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ एंगल फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन। आपको क्या करना है, एक लाइन आपने ड्रॉ की ए बी, ए बी के बाद आप चले बी सी की तरफ, तो एंगल ड्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम प्रीवियस लाइन टू नेक्स्ट लाइन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज इंक्लूडेड एंगल। शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, फोर बेयरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, और अगर ये वैल्यू पूरी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसमें क्या कर दो, 360 डिग्री ऐड कर दो, जैसा कि हमने एक क्लास में क्वेश्चन किया था पहले, आपको यहाँ पे फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग दे रखी थी, तो हमने फोर बेयरिंग ऑफ बी सी माइनस बैक बेयरिंग ऑफ ए बी किया, और ये वैल्यू क्योंकि सारी नेगेटिव आ जाती, इतना इतना अगर हम कर रहे थे तो इसमें हमने 360 डिग्री भी ऐड कर दिया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, चलिए डिप के बारे में, तो डिप क्या होता है, वर्टिकल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नीडल एंड अर्थ सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। पोल्स के ऊपर डिप 90 होता है, इक्वेटर पे 0। फिर उसके बाद में मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती है, और जितना इनके बीच में एंगल होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, डेक्लिनेशन बोल देते हैं। अब डेक्लिनेशन अगर ईस्ट की तरफ हुआ तो उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, वेस्ट की तरफ अगर हुआ तो उसको नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेक्लिनेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता रहता है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स चेंज होता है, और इस डेक्लिनेशन के वेरिएशन को आइसोगोनिक लाइन से हम दिखाते हैं। सो व्हाट आर आइसोगोनिक लाइंस, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट विच डेक्लिनेशन इज सेम। तो आइसोगोनिक लाइन का मतलब ऐसी लाइंस जिनका डेक्लिनेशन जो है वो सेम है, ऐसी लाइंस जो कि ऐसे पॉइंट से लाई करती हैं जिनका डेक्लिनेशन सेम है, तो वो आइसोगोनिक लाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है एगोनिक लाइंस, तो यानी कि वो लाइंस या वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जिनका डेक्लिनेशन जीरो है, तो वो एगोनिक लाइन हो जाएगी। लोकल अट्रैक्शन की बात करें, लोकल अट्रैक्शन आप कहीं भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपके पास मैग्नेटिक नीडल है, और वो मैग्नेटिक नीडल किसी और मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर इफेक्ट हो रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे, वहां पे लोकल अट्रैक्शन है। अब आपने क्या किया, अलग अलग स्टेशन पे जाके रीडिंग्स ली, तो ये भी तो हो सकता है कि हर एक स्टेशन पे हो लोकल अट्रैक्शन हो, या ये हो सकता है कि सब में से किसी एक पे हो या कहीं ना कहीं हो, तो आपकी ओवरऑल रीडिंग को वो क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी। तो अगर आपने ये बोला कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन वहां पे मौजूद नहीं है, और अगर 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो लोकल अट्रैक्शन जो है वो हो सकता है कि उन दोनों पॉइंट्स में से एक पे हो या दूसरे पे हो या दोनों पे हो सकता है, तो लोकल अट्रैक्शन, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आया। क्लियर। फिर हम बात करें तो क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछेगा अभी जैसा आपको दिख रहा है,
उसमें बस आपको ये टेबल दे देगा और इस टेबल में आपसे बस इतना पूछ लेगा कि लोकल अट्रैक्शन जो है वो कौन से पॉइंट पे है, या ये पूछ लेगा कि कौन से पॉइंट पे नहीं है। आपसे ये पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। तो सिंपल बस टेबल पे नजर मारनी है, और टेबल पे नजर मार के ये देखना है कि कौन सा ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बीच में अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो उनके बीच में डिफरेंस मुझे 180 डिग्री का मिल जाए। तो ये दोनों जो होंगे फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन होंगे, अर्थात इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर खड़े होके, इन दोनों स्टेशन पे खड़े होके हमने जो भी रीडिंग ली होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट रही होगी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन को क्लास में हमने किया था ऑलरेडी अच्छे से। अगर आपको फिर भी दोबारा करना हो तो आप चाहे तो पीडीएफ की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप ये स्क्रीन जो है यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और बाद में इनको पढ़ लीजिएगा। सिंप्लीफाइड वे में सब कुछ मेंशनड है यहाँ पे। हाँ, बी और सी दोनों जो है लोकल अट्रैक्शन से फ्री थे, तो दोनों जो पॉइंट्स थे उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो भी मेजरमेंट आपने ली होगी वो एक्यूरेट थी। क्लियर? आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। इंक्लूडेड एंगल मेथड ये क्लोज ट्रैवर्स के लिए सुटेबल होता है। सेम तरीके से आपको यहां पे पता करना है, पहला स्टेप तो आपका वही आ जाएगा। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपके स्टेप्स हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप बाद में इस वीडियो को यहां पॉज करिए और आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो अभी इस टाइम में आपके रिवीजन के टाइम पे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आपको स्टेप्स पढ़ने हैं, आप स्टेप्स पढ़ लीजिएगा। ट्रैवर्सिंग पे आ जाते हैं। ट्रैवर्स ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। इसके अंदर आप अलग अलग मेजरमेंट, लीनियर जो मेजरमेंट करेंगे, चेन, टेप, टेक्योमीटर, ईडीएमआई की हेल्प से, एंगुलर में आप लूज नीडल, फास्ट नीडल, इंक्लूडेड एंगल, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन एंगल, ये सारे मेथड्स जो हैं आप यूज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। एंगुलर मेजरमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहला लूज नीडल मेथड आ जाता है। उसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर आप क्या करते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं लूज नीडल मेथड के अंदर। फास्ट नीडल मेथड के अंदर आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग तो आप कैलकुलेट कर ही रहे हैं, साथ साथ आप क्या करेंगे, साथ साथ क्या करेंगे, पहला आप क्या करेंगे मैग्नेटिक बेयरिंग और उसके बाद सारे इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से करते हैं। पहला मैग्नेटिक बेयरिंग जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद सारे क्या, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, एक लाइन की आप मैग्नेटिक बेयरिंग कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंक्लूडेड एंगल मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग फर्स्ट पॉइंट पे करेंगे, लेकिन उस फर्स्ट पॉइंट पे भी इंक्लूडेड एंगल मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो सारे स्टेशन के ऊपर हम इंक्लूडेड एंगल मेजर करते हैं। डायरेक्ट एंगल मेथड के अंदर आप बस एंगल मेजर करते जाइए, ओपन ट्रावर्स के अंदर यूज होगा पहले मैग्नेटिक बेयरिंग, फिर इंक्लूडेड एंगल मेथड और बढ़ते जाइए। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से रिलेटेड सवाल बस इतना पूछा गया है आज तक, जो पूछा गया वो ये था कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें पिछले वाली लाइन जो है उसी को आगे एक्सटेंड करके और नेक्स्ट लाइन के साथ जो एंगल बनता है तो वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, और एंगल जो बनता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल। फिर उसके बाद आपसे पूछता है लैटिट्यूड और डिपार्चर के लिए, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालना एक 11th क्लास के स्टूडेंट को भी अगर बता दिया जाए तो वो भी कर लेगा। बस डिफरेंस इतना सा आ जाता है, जो हम एंगल मेजर करते हैं वो एंगल हम कहां से मेजर करते हैं, यहां से, नॉर्थ से मेजर करते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन नॉर्थ के ऊपर, किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ के ऊपर, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो आता है ये क्या कहलाएगा, लैटिट्यूड कहलाएगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ एक्सिस, तो अब अगर पॉजिटिव है यानी कि जीरो टू नॉर्थ है तो पॉजिटिव, साउथ की तरफ अगर है तो नेगेटिव हो जाएगा। सेम तरीके से आप ये कहेंगे कि किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, डिपार्चर कहते हैं। तो अगर ईस्ट की तरफ आया तो पॉजिटिव, वेस्टिंग यानी कि वेस्ट की तरफ आया, इधर आया तो नेगेटिव। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट। फिर आ जाते हैं लूप ट्रैवर्स। आपसे अगर पूछा जाए एरर फ्री कब होगा, तो सम ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ डिपार्चर इक्वल्स टू जीरो, या सम ऑफ नॉर्थिंग इक्वल्स टू सम ऑफ साउथिंग होना चाहिए। ठीक है, लिंक ट्रैवर्स अगर होगा आपके पास तो लैटिट्यूड ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये सम ऑफ लैटिट्यूड्स के बराबर होना चाहिए, और सेम तरीके से डिपार्चर के लिए। फिर उसके बाद एरर की अगर हम बात करें, तो जितने डिस्टेंस से ये ट्रैवर्स अगर क्लोज नहीं हुआ वो आपका एरर हो जाएगा। फिर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रैवर्स के अंदर अगर हम बात करें, तो ये दो लाइन जो है बाउडिच रूल की, ये इंपॉर्टेंट है।
पहला आर्बिट्रेरी मेथड कोई नहीं पूछेगा आपसे क्या है आर्बिट्रेरी, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। बाउडिच रूल का आपसे पूछता है और उसमें ये दो लाइनें इंपॉर्टेंट है कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट के अंदर जो एरर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन के होता है, और अगर एंगुलर मेजरमेंट की बात करें तो एंगुलर मेजरमेंट के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे चले, फिर आता है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर अगर हम बात करें तो आपसे पूछ लेता है कि क्या क्या आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उनके ऊपर सवाल बन जाते हैं। तो टेबल होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, टेबल को बताने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है एलिडेड। एलिडेड क्या होता है, एलिडेड एक तरफ आई वेन बनी होती है और दूसरी तरफ क्या होती है, ऑब्जेक्ट वेन बनी होती है। आई वेन के थ्रू आप क्या करते हैं, एक जगह पे उसको पाइवोट कर लेते हैं, यानी कि एक एंड को फिक्स कर लिया। लेट अस से आपने इस तरीके से ये फिक्स कर लिया, उसको फिक्स करने के बाद आप उसको साइट कर रहे हैं आप इधर उधर, तो एक जगह पे फिक्स कर देना, पाइवोट कर देते हैं आप उसको, और उस पॉइंट के अबाउट हिंज कर देते हैं आप, ये कह लीजिए। फिर उसके अबाउट आप क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, साइट कर रहे हैं। तो पाइवोट करके आप व्यू करके फिर उसी के अकॉर्डिंग आप साथ में इसके ऊपर ये फ्यूडिशियल एज होती है, यहाँ पे क्या होते हैं मेजरमेंट्स बने होते हैं, तो आप लेंथ जो है लाइन की वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लम्बिंग फॉग क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्लम्बिंग फॉग से रिलेटेड, प्लम्बिंग फॉग इज यूज टू किसके काम आता है, जो भी पॉइंट ग्राउंड पे होता है उसको एग्जैक्टली ये क्या कर देता है, शीट के ऊपर प्लॉट करने के काम आता है, तो ये सेंटरिंग के काम आता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्लम्बिंग फॉग इज यूज फॉर, सो इट इज यूज फॉर सेंटरिंग। नेक्स्ट अगर बात करें स्पिरिट लेवल जो होती है, ये टेबल को लेवल करने के काम आती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रहे टेबल आपका प्रॉपरली। फिर कंपास की बात आ जाती है, कंपास किस में काम आता है, ट्रफ कंपास का यूज करते हैं और ये ओरिएंटेशन के काम आता है, ट्रफ कंपास इज यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन, ये एक सवाल पूछता है। फिर उसके बाद कौन सा कंपास यूज करते हैं ओरिएंटेशन में, ट्रफ कंपास का इस्तेमाल हम करते हैं। ड्रॉइंग पेपर आप सभी को पता है क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, श्रिंकेज नहीं हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल साधारण भाषा में इतना ही है कि जो लाइंस आप यहाँ ड्रॉ कर रहे हो ना शीट पे, वो पैरेलल होनी चाहिए जो एक्चुअल लाइंस फील्ड के अंदर है उनके। बस आगे बढ़ेंगे, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं फिक्स करते हैं आप। सबसे पहले ट्राइपॉड स्टैंड को वहां पे रख के फिर आप टेबल की क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद ओरिएंटेशन एंड देन साइटिंग द पॉइंट्स। तो आप पॉइंट्स को साइट करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि आप जब भी किसी भी पॉइंट पे जाके, किसी भी स्टेशन पे जाके आप प्लेन टेबल को अगर आपने रखा तो क्या करेंगे आप, अगर लेट अस से आपने नॉर्थ टू साउथ यहां मार्क कर दिया तो यही आपकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए हर बार, जब भी आप ओरिएंटेशन सेम ही होना चाहिए उस शीट के डायरेक्शन। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है ट्रफ कंपास। ओरिएंटेशन से भी किससे कर सकते हैं, ट्रफ कंपास से भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, ओरिएंटेशन कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ए ट्रफ कंपास, ऑप्शन बी बैक साइटिंग, ऑप्शन सी कोई और कुछ भी ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, तो आपको ट्रफ कंपास और बैक साइटिंग वाले ऑप्शन की तरफ आपको जाना है। बैक साइटिंग की तरफ से भी, की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं ओरिएंटेशन या अपनी जो शीट है उसको ओरिजिनली अलाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलो फिर उसके बाद बात करें प्लेन टेबल सर्वेइंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ रेडिएशन, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग, मेथड ऑफ रिसेक्शन। सवाल क्या बनता है, मेथड ऑफ रिसेक्शन इज, रिसेक्शन इज अ मेथड ऑफ व्हाट, तो आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, टैक्योमेट्री हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, लीनियर मेजरमेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको उसमें क्या चूज करना होगा, प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज करना है। तो सबसे बेसिक तो है ये, ओवरव्यू से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो रेडिएशन मेथड के अंदर कुछ नहीं होगा, टेबल रखा, टेबल रखा, चारों तरफ आपने जो जो पॉइंट्स हैं बाउंड्री पॉइंट्स उनको आपने क्या कर लिया, रेंजिंग रॉड रख ली, इस टेबल को रख के आपने सबको साइट किया, एक्चुअल चेन या टेप से आपने ये जो डिस्टेंसेज हैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर किया, उसको स्केल करके यहाँ पे आर्क्स लगा ली, आर्क लगा के आपने क्या किया उसको ज्वाइन करवा दिया, इन सबको ज्वाइन करवा दिया तो आपके पास आ गया। फिर उसके बाद मेथड ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर क्या करेंगे, दो पॉइंट थे पी और क्यू जिनके बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली पी से ए तक आप जा नहीं सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, ये कह लो डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, तो आपने क्या किया पी से क्यू को प्लॉट किया और लेकिन पी से लेके ए की तरफ एक रे ड्रॉ कर ली, फिर उसके बाद आपने पी से बी की तरफ कर ली, फिर टेबल को आपने यहां उठाया, क्यू पे जाके इसको रखा, ओरिएंटेशन किया उसका प्रॉपर, फिर उसके बाद आपने क्यू से लेके ए को साइट किया, क्यू से बी को साइट किया, तो अब ये जो इंटरसेक्टेड लाइंस है इससे आपका ट्रावर्स जो है वो पूरा बन जाएगा, ये मेथड ऑफ इंटरसेक्शन हो गया।
इसको ग्राफिकल ट्रायंगुलेशन भी कह देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कोई खास ऐसा सवाल इससे नहीं बना। अब बात करें मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग की, मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग के अंदर आप क्या करते हैं, ए बी सी डी चार स्टेशन आपने लिए और उसके बाद आपने किया विद द एलिडेट पाइवोटेड एट ए ड्रॉ द रेज टू बी एंड डी, बी और डी की तरफ आपने रे ड्रॉ कर ली, फिर इनका डिस्टेंस मेजर किया और इनको आपने क्या कर दिया, रे जो है स्मॉल ए बी और ए डी से आपने इनको डिनोट कर दिया। फिर टेबल को ले गए बी के ऊपर, बी से सी को साइड किया आपने और उस पर क्या कर दिया, आर्क लगा दी जितना डिस्टेंस था। फिर उसके बाद आपने सी से डी को साइड किया और आपका ट्रैवर्स जो है वो बन गया। सिंपल, ये स्टेप्स फॉलो करने थे बस। टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेनी है, इतने इतना मत सोचो टेस्ट वेस्ट का, ठीक है। तो नंबर वंबर आ जाएंगे, बस मेहनत करते रहो। आप ये देखो ना कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो वाले क्वेश्चन ऐसे सीखा करो। टेस्ट सिर्फ इसीलिए होता है ये जानने के लिए कि कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आते, तो वो क्वेश्चन और करो, बस वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एग्जाम में ऐसा तो होता है, ये देखो टेस्ट बनाते हैं ना तो दो चीजें होती है, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू किसी कोई भी टेस्ट बनाएगा तो उसके लिए ये हो सकता है कि मैं टेस्ट सीरीज ऐसी बना दूं कि सामने वाले को ये लग जाए कि यार मुझे और पढ़ना पड़ेगा, या ये लग जाए कि यार क्या टेस्ट बनाया, गजब टेस्ट बनाया, क्या सवाल पूछे। पहला तो पॉइंट ये होता है जो कि होता है यूजलेस, ठीक है। दूसरा ये होता है टेस्ट सीरीज इस हिसाब से बनाई जाए जिससे आपको ये पता लग जाए कि क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, कहीं आप इन चीजों में तो लैक नहीं कर रहे हैं ना। तो सबसे बेसिक तो पॉइंट ये होता है कि जो क्वेश्चन ऑब्वियस से रहते हैं सबसे ज्यादा हमें वो पहले आने चाहिए। उसके बाद फर्दर स्टेप्स होते हैं, जब आप काफी सारे टेस्ट अगर होते हैं उनमें से आगे जाके फर्दर टेस्ट ऐसे होते हैं जो टफ वाले होते हैं या जिनमें नए क्वेश्चन आप या फिर जिनमें कुछ अलग दिमाग लगाना पड़े आपको। तो सबसे पहला बेसिक काम ये है टेस्ट सीरीज का कि आपको जो ऑब्वियसली आना ही चाहिए वो वाले क्वेश्चंस करना। तो वो अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल कीप काम और वो वाले क्वेश्चन सीखते जाओ, बस सिंपल। चलें आगे। अब देखिए एफएम कब कराएंगे, एफएम जब भी स्टूडियो मतलब अवेलेबिलिटी हो जाएगा, तो मैं यही चाहता हूं क्योंकि टाइम लगता है ना उसमें, चार चार पांच पांच घंटे ना ऐसे बैठ के पढ़ने में मजा नहीं आता और मुझे भी ऐसे सीधा चिल्लाने में मजा नहीं आता, खड़े होकर चिल्लाते हैं तो अच्छा लगता है। चले आगे। अरे भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान आप खुद दो, आप में भगवान है। मेथड ऑफ रिसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, शीट के ऊपर ए और बी पॉइंट ऑलरेडी प्लॉटेड है और आपको एक नया पॉइंट जो है जो ग्राउंड में सी है वो आपको शीट में प्लॉट करना है, यही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बस, ठीक है। ऐसे ही पूछेगा मेथड ऑफ रिसेक्शन के अंदर क्या होता है। फिर उसके बाद बात करें मेथड ऑफ बैक साइटिंग, इसमें आप बैक साइड करना होता है आपको, ए और बी ऑलरेडी शीट के ऊपर प्लॉट है, आपने सी की तरफ बैक साइड किया, सी डैश एक रफली पॉइंट ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद आप बढ़े बी से लेके बी डैश तक आपने इधर एक रे ड्रॉ कर ली, फिर यहाँ पे जो मीट हो गई वो बन गई। फिर थ्री पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, तीन पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी है और जहाँ पे आपने टेबल रख रखा है वो शीट के अंदर कहाँ है, ठीक है, इसको आपको प्लॉट करना है बस सिंपल। तो आप क्या करिए, इन तीनों ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड ऑलरेडी प्लॉटेड है शीट के अंदर, स्मॉल एक्स से एक्स की तरफ देखा आपने और रे ड्रॉ कर ली, स्मॉल वाई से वाई की तरफ देखा रे ड्रॉ कर ली, स्मॉल जेड से जेड की तरफ देखा रे ड्रॉ कर ली, बस इस तरीके से जहां पे ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी आपको पोजीशन मिल जाएगी कि आपका टेबल कहाँ है। फिर अगर ये एक जगह एक पॉइंट पे ना मिले तो जो ट्रायंगल इनके बीच में बन जाता है वो ट्रायंगल ऑफ एरर कहलाता है। फिर हम इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इसके साइज को रिड्यूस करके लेके आते हैं इसको एक पॉइंट के ऊपर। लेवलिंग पे आ जाते हैं, लेवलिंग में सबसे पहला पॉइंट लेवल सर्फेस क्या होता है, अर्थ के पैरेलल एक सर्फेस होता है जिसको लेवल सर्फेस कहा जाता है। लेवल लाइन, उस लेवल सर्फेस के ऊपर एक लाइन होगी वो क्या होगी, लेवल लाइन होगी। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये कर्व्ड लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल सर्फेस जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेवल सर्फेस के टेंजेंशियल जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, उस हॉरिजॉन्टल सर्फेस के अंदर जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। फिर उसके बाद वर्टिकल सर्फेस, इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल सर्फेस के परपेंडिकुलर जो होगा ये कहलाएगा वर्टिकल सर्फेस, और उसके अंदर जो लाइन होगी जो आपको ब्लैक से दिखा रखी है यहाँ पे वो कही जाती है वर्टिकल लाइन। प्री में कैसे पूछेंगे, साथ साथ यही तो बताते जा रहे हैं आपको, व्हाट इज लेवल लाइन, लेवल लाइन क्या होती है, कर्व्ड लाइन होती है। एलिवेशन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है दोस्तों, एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो एल्टीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव एलिवेशन को बोलते हैं, किसी भी एक पॉइंट को, किसी भी एक, आप ये अर्थ है ठीक है, अर्थ को आपने क्या कर लिया, जूम आउट कर लिया, बहुत दूर से देख रहे हैं आप, चांद पे पहुंच गए, चांद पे भी नहीं मार्स पे पहुंच गए, वहां से देख रहे हैं, तो वहां से आपको हिमालय कुछ इस तरीके से दिखाई दिए, तो आप क्या कहेंगे, इस अर्थ के सरफेस से ये जो टॉप पॉइंट है हिमालय के ये कितना ऊपर है, तो यही तो मेजर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये कोई भी एक जो लेवल सरफेस बन रहा था अर्थ के पैरेलल, जो एक लेवल सरफेस बन रहा था, इस लेवल सरफेस का एलिवेशन जो है ये कितनी दूरी पे है अर्थ के सरफेस से, यही तो वो बता देगा कि ये इसकी हाइट कितनी है, यही तो वो बताएगा, है ना। एल्टीट्यूड और एलिवेशन में देखो, यस जी, डिफरेंस इतना सा है। आपने बोल दिया कि आप यहां से लेके जो माउंट एवरेस्ट का जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो क्या है। एल्टीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं। फिर आप क्या बोलेंगे, अगर आप किसी वैली के वैली वाले एरिया में चले गए, वहां पे खाई है, तो आप ये नहीं बोलेंगे इस वैली का एल्टीट्यूड क्या है। आप क्या कहेंगे, एलिवेशन। एलिवेशन आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। वो मीन सी लेवल से ऊपर भी हो सकता है और मीन सी लेवल से नीचे भी हो सकता है। तो एलिवेशन एक जनरल टर्म है जो कि आपको ये बताती है कोई पॉइंट अर्थ के सरफेस जो आपका मीन सी लेवल है, मीन सी लेवल से कितना ऊपर है कितना नीचे है, एलिवेशन ये बताता है। एल्टीट्यूड मतलब पॉजिटिव, सिर्फ हाइट के लिए, पॉजिटिव वाली हाइट, मीन सी लेवल से ऊपर वाले जो डिस्टेंसेज है उनके लिए एल्टीट्यूड बोल लेते हैं। चले आगे, कोई स्ट्रेटेजी बता दो कि क्वेश्चन ज्यादा करें या रिवीजन करें। दोस्त मैं तो यही बोलूंगा जिस तरीके से मैं आपको अभी बता रहा हूं, ऐसे रिविजन्स कर लीजिए, फटाफट पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो फॉर्मूले याद करने ही करने हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, डिटेल में थ्योरी पे बार बार मत जाइए, ठीक है। एक दो बार थ्योरी में पढ़ा, कहानियां पढ़ी, उसके बाद जो टू द पॉइंट चीजें हैं, जो शॉर्ट नोट्स में लिखने वाली हैं, जो फॉर्मूले हैं या फिर कोई फैक्ट्स एंड फिगर है, उनको शॉर्ट नोट्स में लिखो, उनको रिवाइज करो और फिर लगाओ क्वेश्चंस। यही तरीका है अगर आप जेईई एग्जाम्स की बात करें तो। अब देखो, फिर आते हैं कुछ और डेफिनेशन। एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर को और ऑब्जेक्टिव ग्लास को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगा क्रॉस हेयर वर्ड। तो जहां भी क्रॉस हेयर वर्ड आ जाए वहां पे लाइन ऑफ साइट, लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है, जब लाइन ऑफ साइट जो आपकी है ये हॉरिजॉन्टल हो जाए तो क्या कह देते हैं इसको, लाइन ऑफ कॉलिमेशन कह देते हैं हम। फिर उसके बाद लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है, अगर उसको आप घुमा दीजिए, जैसे लेट अस से दिस इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इसको आपने प्ले घुमा दिया ऐसे इस डायरेक्शन में, तो अब ये जो प्लेन बना रहा है, ये जो प्लेन बना, ये प्लेन कौन सा हो गया, कॉलिमेशन प्लेन या प्लेन ऑफ कॉलिमेशन। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, यहां कोई इंस्ट्रूमेंट, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो इसका रिड्यूस लेवल मीन सी लेवल से, जहां भी मीन सी लेवल होगा उससे जितनी इसकी हाइट है, इसको क्या बोल देते हैं हम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोल देते हैं। या प्लेन ऑफ कॉलिमेशन मतलब ये कौन सी है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन ही तो है, इसी से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को मेजर करते हैं। सॉइल की मैराथन करेंगे ना दो, सॉइल हो गया, एफएम हो गया, ये पार्ट ऐसे हैं कि टाइम लगाना पड़ेगा आराम से, मतलब करेंगे जल्दी, कम टाइम में करेंगे उनको, लेकिन उसके लिए स्मार्ट बोर्ड वगैरह होना तो मजा आता है। यहां भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हो पाया ना तो अपने पास एक और जबरदस्त मेथड है, इससे बेटर मेथड है, उससे पढ़ेंगे अपने, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम ना मुझे दीजिए आप, तब तक मैं ये चाहता हूँ कि अपने कोई क्लास मिस ना हो। तो सर्वे हो गया या कोई ऐसे सब्जेक्ट हो गए जो कम टाइम में हो सकते हैं ना रिवाइज, तो पहले वो कर लेते हैं और जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करेंगे। एफएम वेफएम की टेंशन मत लो। चलो आगे बात करें, फिर स्टेशन, किसी भी पॉइंट का जिसका एलिवेशन हमें पता नहीं है उसको स्टेशन कहते हैं। बैक साइड क्या होती है, आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं किसी जगह पे तो सबसे पहली जो रीडिंग लेते हैं पीछे की तरफ देख के, वो बैक साइड होती है। आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद आपने पीछे की तरफ देखा, तो पहली रीडिंग जो आपको इसके ऊपर मिली वो क्या हो जाएगी, स्टाफ के ऊपर रीडिंग जो आपने ली, बैक साइड। सीपीएम पार्ट अभी के लिए छोड़ दीजिए दोस्त, अगर कभी मतलब किसी बहुत जमाने में एक बार सवाल आ गया तो आ गया। चले आगे, नेक्स्ट। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी स्टेशन को आप चेंज करते हैं तो लास्ट रीडिंग जो होती है ना, बस ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले लेटर से आप आए, आपने आके यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट रख लिया, तो सबसे पहले रीडिंग कौन सी लेंगे, बैक साइड लेंगे। फिर आप फ्रंट में रीडिंग लेना शुरू कर लो, यहाँ रखी रीडिंग ले ली, फिर यहाँ रखा इसको रीडिंग ले ली, यहाँ रखा इसको रीडिंग ले ली। तो अब आप यहाँ से जब इंस्ट्रूमेंट उठा के इधर लेके जाओगे ना, तो इस लास्ट वाली रीडिंग को आप बोल दोगे कि ये फोर साइट है, और जितने बीच में बच गए इनको बोल दोगे इंटरमीडिएट साइट है। अब यहाँ पे आ गए आप,
तो जब भी आपने नई जगह पे अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है तो पहली रीडिंग जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, बैक साइड लेंगे। फिर उसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में रीडिंग लेना शुरू कर दीजिए, तो जो लास्ट वाली रीडिंग होती है उसको फोरसाइट आप कह देंगे, और ये इंपॉर्टेंट बात बस ध्यान में रखनी है। क्लियर? चेंज पॉइंट जहां से आप क्या करते हैं, लेवल को शिफ्ट कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट को आप मूव कर रहे हैं, चेंज पॉइंट के ऊपर बैक साइड और फोर साइड दोनों लेते हैं। जैसे कि ये वाला ये चेंज पॉइंट है आपका, इसके ऊपर क्या हो गया, बैक साइड भी लिया आपने, फोर साइड भी ली, दिस इज योर चेंज पॉइंट। इस रीडिंग के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया था ना फोर साइड के बाद। अब देखो नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट साइड, बता दिया आपको। बेंचमार्क क्या होता है, कोई ऐसा पॉइंट, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत ही आसान सा सवाल पूछा जाता है, कोई ऐसा पॉइंट जिसका आपको रिड्यूस लेवल या मीन सी लेवल से कितनी हाइट के ऊपर वो प्रेजेंट है, ये आपको बताता है बेंचमार्क। क्लियर? फिर उसके बाद आते हैं अलग अलग टाइप के बेंचमार्क, जीटीएस ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जो बेंचमार्क होते हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करता है इनको। टेम्परेरी बेंचमार्क जो हैं, जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां पर एस्टेब्लिश कर लीजिए। परमानेंट बेंचमार्क जो होते हैं ये जीटीएस बेंचमार्क्स के बीच में सेटअप होते हैं। फिर उसके बाद आर्बिट्रेरी, आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर लीजिए। पैरेलेक्स क्या होता है, कहीं भी आप किसी पॉइंट को देखते हैं, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ इमेज, इसको कहते हैं पैरेलेक्स। फिर उसके बाद आता है लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब क्या काम करती है, लेवल ट्यूब का क्या काम होता है, लेवलिंग के ही काम आती है, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हमें सेटअप करना हो तो। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा वो क्वेश्चन बस इस तरीके से मिलेगा आपको, बस इतना क्वेश्चन लिखा होगा और उसमें ये पूछ लेगा इनमें से कौन कौन सी रीडिंग जो है वो बैक साइट है, कौन कौन सी रीडिंग जो है वो फोर साइट है। क्वेश्चन में आपको कह दिया कि अब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट करने हैं, बिना पेन उठाए करने हैं। क्वेश्चन में आपको क्या कह दिया, द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग्स वर टेकन सक्सेसफुली विद द लेवल, द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन मूव्ड फॉरवर्ड आफ्टर द सेकंड फोर्थ एंड एट्थ रीडिंग। रीडिंग पे नाम देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड के बाद मूव किया, सबसे पहली रीडिंग हो जाएगी कौन सी, बैक साइड। फिर उसके बाद सेकंड के बाद मूव किया तो ये कौन सी हो जाएगी, फोर साइड। फिर उसके बाद थर्ड, सबसे पहली रीडिंग, यहां से इंस्ट्रूमेंट हमने मूव कर दिया तो ये कौन सी हो जाएगी, बैक साइड। फिर उसके बाद फोर्थ के बाद फिर मूव किया, तो यानी कि जहां भी आपने इंस्ट्रूमेंट को मूव किया उससे पहले ये लास्ट क्या हो जाएगी, फोर साइड। फिर उसके बाद ये फिफ्थ रीडिंग पे आ जाइए, फिफ्थ पे कुछ नहीं किया तो ये सबसे पहली रीडिंग है, फोर साइड। फिर ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, एट्थ के बाद मूव किया है ना, तो एट्थ वाली क्या हो जाएगी, फिर से फोर साइड। बीच की क्या बच गई, इंटरमीडिएट साइड बच गई। फिर उसके बाद लास्ट ये बैक साइड, फिर ये इंटरमीडिएट, और सबसे लास्ट फोर साइड। यही होगा, बैक साइड फोर साइड, पहले चार तो बिल्कुल सही लिखे थे हमने। फिर उसके बाद बैक साइड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फोर साइड, बैक साइड इंटरमीडिएट साइड फोर साइड। क्लियर? समझ आ गया सभी को? हाँ, सॉइल की मैराथन कर लेंगे दोस्त, चलें। फिर उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करना, स्टाफ स्टेशन के आपको रिड्यूस लेवल्स पता करना, ये हमने एक बार आप क्लास देखना दोस्त, ये वरना फिर अपना सारा टाइम यहीं चला जाएगा। बस आपको ये बेसिक दो फॉर्मूले याद रखने हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होता है, आर एल ऑफ बेंचमार्क और चेंज पॉइंट प्लस स्टाफ रीडिंग जितनी होती है। आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइट या फोर साइट। ये दो फॉर्मूले याद रख लेना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर ये क्वेश्चन करोगे पूरा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, या डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट किसके बराबर होगा, जितना ये लेवल है आपको इस लाइन का रिड्यूस लेवल पता करना है, तो इसमें ऐड कर दो क्या, बैक साइड, यही तो करोगे। तो रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क और चेंज पॉइंट, इसमें ऐड कर दो क्या आप बैक साइड को, तो यही तो हमने किया बस, यही तो है। स्टाफ स्टेशन का आरएल, इसका मान लीजिए रिड्यूस लेवल आपको पता करना है तो क्या करना है इसमें, ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, इसका आरएल आपको ऑलरेडी पता है, इसमें से ये रीडिंग माइनस कर दो, बस वही तो यहां फॉर्मूले में लिखा है। चले आगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद बात करें राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड के अंदर आप सेम तरीके से आप बैक साइड फोर साइड ये सब पता कर लेते हैं। फिर उसके बाद आप राइज होता है, पॉजिटिव होता है तो आप ऐड कर दीजिए, नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इस तरीके से आप ये पता करते जाते हैं बस।
लास्ट में जो आपको चेक लगाना होता है वो चेक क्या होता है, लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल जो है ये किसके बराबर आना चाहिए, सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, अगर आ जाता है तो इट इज ओके। कर्वेचर की अगर बात करें दोस्तों, तो कर्वेचर के इफेक्ट के अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना है, एरर जो होता है कर्वेचर की वजह से वो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो करेक्शन जो होता है वो नेगेटिव होता है, -0.0785 d² आपको याद रखना ही रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन होता है वो कितना होता है, 0.0112, ये रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होता है वो नेगेटिव होता है, करेक्शन पॉजिटिव होता है। क्लियर? चलो कंबाइंड करेक्शन की बात करें तो -0.0673 d² के बराबर होता है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो करेक्शन आपका आएगा वो किस में आएगा, मीटर्स में आएगा, और जो आप डी डिस्टेंस पुट करेंगे वो किस में करेंगे, किलोमीटर में। तो शॉर्ट नोट्स में ये चीजें लिखने वाली होती है बस। आगे बढ़े नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन अगर आपको पता करना हो तो सेम आपको फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज करना है, बस यहाँ पे आपको डी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आपको अलग अलग यहाँ पे जैसे कि ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है उसको जस्ट कोई टावर दिख रहा है, तो आपको ये दो डिस्टेंसेज D1 D2 अलग अलग से कैलकुलेट करने होंगे, बस फॉर्मूला एक ही याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने ऑलरेडी, जिनको ये क्वेश्चन करना हो आप वीडियो पॉज करना और इस क्वेश्चन को देख लेना। फिर लेवलिंग की टाइप की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या मतलब कहानियों वाला सा सवाल आ जाता है। डायरेक्ट लेवलिंग किस किस टाइप की होती है, सिंपल हो सकती है, डिफरेंशियल हो सकती है। सिंपल के अंदर क्या होगा, ओनली वन सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डन। डिफरेंशियल के अंदर क्या होगा, एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स बाय मल्टीपल सेटिंग, अलग अलग सेटिंग्स करेंगे इसके अंदर यूज हम। चेक लेवलिंग ऑलरेडी जिसकी आपने लेवलिंग कर रखी है उसको आप वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद फ्लाई लेवलिंग, जब भी सिर्फ इसमें फोर साइड बैक साइड लेते हैं फटाफट जो लेवलिंग करनी होती है, जैसे आप अभी अभी पढ़ रहे हैं ना अपन हवा में, फटाफट फटाफट, अब हवा में नहीं पढ़ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ रहे हैं बस, पर कभी कभी आप पढ़ते हैं ना हवा में, तो वो वैसे ही सेम जल्दी जल्दी फोर साइड बैक साइड रीडिंग लेंगे बस इसमें। आगे बढ़े, क्वेश्चंस अभी करने चाहिए या नहीं, क्वेश्चंस कर लो, अगर जितना आप पढ़ सकते हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग होती है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप लेवलिंग कर रहे हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग, जब आप कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हाइट डिफरेंस जो है वो बहुत लार्ज है या डिस्टेंस अपार्ट है, तो आप रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, सिंपल हाइट डिस्टेंसेज इनकी प्रॉब्लम एंगल। फिर उसके बाद बैरोमेट्रिक लेवलिंग, जिसके अंदर आप एटमोस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग आप लेवल बताते हैं, आप हाइट पे जाते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं लेवल आप। हाइपोसिमेट्रिक लेवलिंग, इसके अंदर आप क्या करते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स बाय ऑब्जर्विंग टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे कितने टेम्परेचर पे वाटर आपका बॉयल हो रहा है, उसको हम हाइपोसिमेट्रिक लेवलिंग कहते हैं। फिर उसके बाद सिंपल लेवलिंग की बात अगर करते हैं, शिमर आता है। शिमर क्या होता है, अर्थ के सरफेस के पास पास जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे एक शाइनिंग होती है, सनशाइन जो होती है वो उस एयर को क्या करती है, शिमर करवा देती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्टाफ रीडिंग जो है वो 0.5 मीटर से कम की हम नहीं लेते हैं। फिर आगे बात करें यूज ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ, इन्वर्टेड स्टाफ जैसे आप जैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं करना आपको, पॉइंट ए से आपने ऑब्जर्वेशन लिया, फिर आप यहाँ पे खड़े हैं, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड स्टाफ आपने लिया, तो इन्वर्टेड स्टाफ आपने अगर रखा है तो वो छत से रखा है, तो यहाँ से ये आपका लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसा बनेगा इन्वर्टेड स्टाफ के लिए, इसके लिए ये बनेगा। इस पॉइंट का आपको रिड्यूस लेवल क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको ये डिस्टेंस ऐड करना होगा, ये डिस्टेंस ऐड करना होगा जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आप बता देंगे कि ये पॉइंट बी जो है इसका लेवल कितना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना सफिशियंट होगा क्या, सबसे पहली चीज ही वही है, सबसे पहली चीज यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। 0.5 मीटर से कम क्यों लेंगे समझ नहीं आया, 0.5 मीटर से कम लेंगे आप इमेजिन कर लीजिए, आप खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और आप अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप देख रहे हैं, आपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा ये स्टाफ जो है इसके पास की रीडिंग, यहाँ से सन जो है धूप आ रही होगी तो वो इस एरिया को क्या करेगी, यहाँ पे शिमर होगा, यहाँ पे चमक सी होगी, लाइट सी होगी, तो आपको ये रीडिंग प्रॉपरली यहाँ से दिखेगी नहीं जब आप बहुत दूर से देख रहे हैं अगर। तो फिर टिल्टिंग लेवल क्या होता है, डंपी लेवल क्या होता है, इनको एक एक बार आप देखना। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब पे क्वेश्चन आता है, सेंसिटिविटी को कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं,
रेडियस को इंक्रीज कर दीजिए, विस्कोसिटी को क्या कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, डिक्रीजिंग द रफनेस ऑफ इनर वॉल्स ऑफ द ट्यूब। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछ सकते हैं। रेयर चांसेस के अंदर आपको सेंसिटिविटी जो है उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी मिल सकता है, जो कि एक आध आया हुआ है पिछले एग्जाम्स में। अगर हम बात करें तो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो बबल मूव किया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वर्टिकल एक्सिस के बीच में और इंस्ट्रूमेंट के बीच में, ये आपको वैल्यूज जो पुट करके आप बता सकते हैं सेंसिटिविटी। फिर आते हैं टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग के अंदर क्या होगा, टैक्योमीटर के बारे में सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, होता क्या है? तो ये ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टेडिया वायर्स लगी होती है, क्रॉस वायर्स लगे होते हैं, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इसका 100 होता है, एडिटिव कॉन्स्टेंट 0 होता है। बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट। स्टेडिया हेयर जो होते हैं, तीन वर्टिकल हेयर लगे होते हैं, तीन हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये तीन हो गए, तीन हॉरिजॉन्टल हेयर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टेडिया हेयर बोलते हैं। तो फिक्स्ड हेयर मेथड हो सकता है, मूवेबल हेयर मेथड हो सकता है इनके अंदर, इनके बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सवाल पूछने के चांसेस कम होते हैं, कौन कौन से मेथड फिक्स्ड है या ये है। दो स्टेडिया जो हेयर हैं इनके बीच में, अपर और लोअर इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम स्टेडिया इंटरवल। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी, बेसिक सा बच्चों वाला सवाल, ठीक है? हाँ जी, एफ प्लस डी, के एस प्लस सी, ये सारे फॉर्मूले जो आपको सभी को आते हैं स्कॉलर्स को, यही बस आपसे पूछते हैं। पैरालिटिकल एंगल क्या होता है, स्टेडिया हेल्प जो आपकी हेयर्स होती हैं इनसे ये जो लाइन्स जाती हैं इनके बीच का जो एंगल है पैरालिटिक एंगल हो जाएगा, इसको आपको फिक्स रखना है, वेरी करवाना है उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस जो आपका है। फिक्स्ड हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड जो है ये वेरी करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर यहां से सवाल बनते हैं, बस ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एडिटिव कांस्टेंट किसके बराबर होता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस यही बोलूंगा मैं आपको, ठीक है? सबसे सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, आपको ये ध्यान में रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपको फाइनल इक्वेशन जो आ जाती है, मेजरली आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एडिटिव कांस्टेंट याद रखने हैं। टेंजेंशियल मेथड कुछ भी नहीं है, टेंजेंशियल मेथड बेसिक 9th 10th के जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सेम मेथड आप यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। सबटेंस बार क्या होती है आपसे ये अगर पूछा जाए, तो सबटेंस बार जो है उसको आप क्या यूज करते हैं, सबटेंस बार का क्या यूज आता है, जो आपको राइट साइड में डायग्राम में दिख रही है, प्लस नहीं लिया तो इनकम्प्लीट होगा क्या कोर्स, यूट्यूब पर और पंप्स नहीं पढ़ाए दोस्त, पंप्स दोस्त आपको मैंने बता दिया था, मैंने उसको वो पीडीएफ भी दे दी थी उसकी, लास्ट टाइम जो मैराथन हुई थी उसमें भी बताया था, इस बार भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे, सिर्फ प्लस पे पढ़ाओगे या ये टॉपिक छोड़ दिए वहाँ पे, जो चीज़ें होती हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्त, कि इतना टाइम है अपने पास, इतना ये है, तो इतने सब्जेक्ट डिटेल में अपने यूट्यूब पे पढ़ लेंगे, इतने सब्जेक्ट वहाँ पढ़ लेंगे, और जो नहीं हो पाएंगे तो यूट्यूब पे उनकी मैराथन्स कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त कि कोई यहाँ पे मैं ये कंजूसी कर रहा हूँ, वहाँ कंटेंट देना है यहाँ कंटेंट नहीं देना, सबके पास कंटेंट है, जिसको जैसे पढ़ना है वो आप पढ़िए, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं, ठीक है, इट इज़ अ रियली बैड प्रैक्टिस कि अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं वाकई में, प्लस के ऊपर अच्छे से पढ़ाओ यहाँ अच्छे से ना पढ़ाओ, तो ये मेरे लिए नुकसान है, आपके लिए तो बाद में, ठीक है? सबसे पहला नुकसान मेरा खुद का है, जितना मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्त हर बार मुझे ये लगेगा कि मैं इससे और बेटर कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ आपको पता है। अगर आप ऑफलाइन में हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में रट जाती हैं सब्जेक्ट, क्वेश्चन रट जाते हैं, वही क्वेश्चन लिखवाना है सब कुछ, किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा के देख लो, आज के उठा लो, 10 साल पहले के उठा लो, वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट, सेम चीज़ें सेम नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? तो ऑफलाइन ऑनलाइन में डिफरेंस है। मेरे पास भी एक चैलेंज होता है कि यार मैं अगर सेम चीज़ दोबारा पढ़ाऊंगा तो कोई बोलेगा ना, ये भी तो आप लोग भी तो बोल देते हो ना कि सर ये सब्जेक्ट तो आपने पहले ही पढ़ा रखा है, पहले भी आपने यूट्यूब पे इसकी वीडियो पढ़ी है, तो अब दोबारा क्यों पढ़े, दोबारा क्यों लाइव आए? तो मुझे भी यही लगेगा, स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट हर जगह होता है ना? तो ऐसा कुछ नहीं होता तो कि यहाँ कम वहां कम, जब जब आप क्लास देखेंगे तब तब कुछ ना कुछ नया जरूर होगा उसके अंदर, तब तब कुछ कुछ और ऐड होगा, किसी चीज को और बेस्ट मेथड से कैसे पढ़ा सकते हैं, और इजी कैसे कर सकते हैं, और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ कि मैं आपकी नज़र में अच्छा बन जाऊँ कि हाँ आप सबके लिए मैं देखो ये कर रहा हूँ, आप सबके लिए इतने सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। दोनों का बेनिफिट होना चाहिए ना। देखो आप भी ग्रो करें, आप भी सीखें, आपका टाइम बचे कि आपको इधर उधर नहीं भागना पड़े, कहाँ से क्या चीज़ पढ़ूँ मैं, वहाँ से वहाँ थोड़ी हेल्प कर दूँ। मेरी ऐसा मेरा खुद की मेरी भी तो ग्रोथ होगी ना। जितनी चीज़ें मैं अलग वे से करूंगा, जितने ज़्यादा मैं अलग अलग चीज़ों को ट्राई करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, उतना मेरी ग्रोथ है। तो ये गलत होता है अगर कोई ऐसा सोचता है कि अगर मैं किसी पेड कोर्स के अंदर अगर अच्छे से पढ़ाऊं और यहाँ अच्छे से ना पढ़ाऊं, या वहाँ सारा कंटेंट दूं यहाँ कंटेंट ना दूं, मेरे पास कौन आएगा? अगर मेहनत करेंगे तो सब आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा। सिंपल सा रूल है। और बाकी ऑनलाइन सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो किसी को बुराई नहीं चाहिए, किसी को ये नहीं चाहिए कि वो कोई उसको ये बोले कि तुम टाइम पास करके गए। तो कोशिश सभी करते हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं पढ़ने दोस्त, आज के टाइम अगर आप ऑफलाइन ऑफलाइन भी जाते हैं, ऑफलाइन की क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो गई है ऑनलाइन की वजह से। उनको भी तो ये डर होता है ना जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उनको भी तो ये होता है कि बच्चे बोल देंगे कि हमने फीस दी आपको, क्या फर्क हुआ ऑनलाइन वालों में ऑफलाइन वालों में, अगर आप अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो हर जगह हर चीज़ के पॉजिटिव साइड्स भी हमें देखने चाहिए कि अगर ऑनलाइन आया तो उसकी वजह से ऑफलाइन में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, उनको कितना सोचना पड़ा कि अब हमें और बेटर करना पड़ेगा। वरना ऑनलाइन वाले मतलब बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि हम ऑनलाइन ही पढ़ लें, क्यों आए यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट कंटूर्स की बात करते हैं। तो कंटूर्स आप सभी को पता है पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? कंटूर्स आर डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन अर्थ सर्फेस। ठीक है, ए सेम एलिवेशन, सेम पॉइंट्स जो होंगे उनके ऊपर जो लाइंस होती हैं उनको कंटूर कहते हैं। कंटूर लाइंस ऑन अ प्लेन इलस्ट्रेट टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड, उसके बारे में हमें बताते हैं, टोपोग्राफी के बारे में बताते हैं। कंटूर्स के बारे में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं? सबसे पहले कंटूर इंटरवल, जो आप कंटूर लाइंस ड्रॉ करेंगे स्केल ऑफ द मैप पे डिपेंड करता है कि आपको स्केल कितना लेना है, कितना उसका प्रिसीजन है, किस पर्पज के लिए आप कंटूर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राउंड का नेचर कैसा है, कितना टाइम आपको दिया गया है सर्वे करने का, कितने पैसे आपके पास है सर्वेइंग के लिए, तो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, नो इफ नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड, मतलब सारे पॉइंट्स जो है वो सेम एलिवेशन के ऊपर है, फ्लैट है। 0 मीटर काउंट या कोस्ट लाइन बोल देते हैं, यानी कि कोस्ट मीन सी लेवल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है। ठीक है, देखो सेम कंटेंट प्लस पर है, कोई प्लस पे मतलब ना, आपको मैंने एक बात बोल दी ना कि आप कहीं भी ट्राई कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पे दोबारा ट्राई कर लेना, कहीं कर लेना, मुझे पता है ना कि कहाँ चीजें कैसे होंगी। तो हर बार हम कुछ एक्स्ट्रा ही करेंगे। अब क्यों, क्यों तब तक क्यों क्यों देखोगे आप लोग? आपको अगर लगेगा ही नहीं कि कुछ इंप्रूवमेंट है, या जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे अगर सेम मेथड से ही सारी चीजें चलती जाएगी, आपके बाद जो आपके जूनियर्स आएंगे वो कैसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे वो जब तक और चीजें बेटर नहीं होती जाएंगी? वरना अब तक क्यों लाइव क्लासेस चलाने की जरूरत पड़ती है? एक एक बार वीडियो बनाते खत्म कर देते सारी चीजें, आपकी भी टेंशन खत्म हो जाती है, हमारी भी हो जाती है। कुछ ना कुछ बेटर होता है हर बार हर चीज में। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटूर्स के बारे में करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपसे हिल का, डिप्रेशन का, इनसे पूछता है। तीन चीजें बेसिक सी पूछ लेता है। पहला पूछ लेता है कि अगर हिल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हिल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इन इन वर्ड जैसे जैसे चलते जाएंगे वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती जाती हैं, तो ये एक हिल को रिप्रेजेंट करती हैं। वैली को रिप्रेजेंट कब करता है? वैली जब वैल्यूज जो हैं बाहर वाली जो लाइंस है कंटूर लाइंस, उनका एलिवेशन ज्यादा है, लेट अस से 100, इनका 90, इनका 80 एंड सो ऑन। क्लियर? चले आगे नेक्स्ट। तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और दो कंटूर लाइंस जो हैं कब इंटरसेक्ट करती हैं? इन केस ऑफ क्लिफ, जैसा आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक क्लिफ के केस में ही दो कंटूर लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद टू कंटूर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और कोई केव हो, या फिर जैसे कोई केव बनी हुई है किसी हिल के अंदर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे अगर केव बनी हुई है तो इस केस में इंटरसेक्ट कर सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। वाटरशेड और अ रिज लाइन, अ लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ सीरीज ऑफ हिल्स। दो बातें आती हैं,
एक तो हम बोलते हैं रिज लाइन। रिज लाइन क्या होती है, जैसे कि आप ये कह लीजिए कि अ सीरीज ऑफ हिल्स, बहुत सारे हिल्स ऐसे ऐसे बने हुए हैं, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिज लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिज लाइन बोलते हैं। ठीक है, कंटूर लाइन क्या होती है, जैसे कैनाल्स में आपसे सवाल पूछता है कि कैनाल अगर आपको बनानी चाहिए वो आपको कैसी बनानी चाहिए, रिज लाइन पे बनानी चाहिए या कंटूर लाइन पे बनानी चाहिए। कंटूर लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे मान लीजिए कोई हिल है, तो इस हिल के सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये कंटूर लाइन बन जाएगी। तो इस कंटूर लाइन के अलोंग अगर आप कैनाल बनाएंगे तो वो कैनाल सिर्फ एक साइड पे ही पानी दे पाएगी, क्योंकि दूसरे साइड पे तो क्या है, हाइट है, एलिवेशन है। तो ऐसी जो कंटूर के अलोंग अगर आपने कैनाल बना दी तो वो कैनाल जो है सिर्फ एक साइड में वाटर दे पाएगी, लेकिन अगर आपने क्या किया, रिज लाइन के अलोंग अगर आपने बनाई तो इधर वाले एरिया को भी वाटर दे सकते हैं, इधर वाले एरिया को भी वाटर दे सकते हैं। ठीक है, सो टू कंटूर लाइन्स हैविंग सेम एलिवेशन कैन नॉट यूनाइट एंड कैन नॉट कंटिन्यू एज वन लाइन। सिमिलरली एक कंटूर जो है वो दो लाइन्स में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हाउ हाई लाइन लो लाइन। हिल्स जो होते हैं वो आपके हाई लाइन हो गए, लो लाइन में वैलीज, डिप्रेशन, रिवाइंस एटसेट्रा ही आ जाते हैं। चलें आगे, सैडल क्या होता है, सबसे जो नीचे पॉइंट होते हैं कोई भी आपके वाटरशेड एरियाज होते हैं उनको बोलते हैं हम पासिस। लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वाटरशेड आर नोन एज पासिस। पास एक नोर नैरो लैंड होता है, रोहतांग पास का आपने नाम सुना होगा अगर आप कहीं वहां पे गए हैं तो। फिर समटाइम्स दिस नैरो लो लाइंग लैंड इज कट बैक बाय स्ट्रीम। बहता हुआ पानी जो है उससे ये लो लाइंग जो एरिया है ये स्ट्रीम से कट जाता है, कटाव आ जाता है वहां पे। इस डिप्रेशन को, इस गड्ढे को, इस जगह को बोलते हैं कॉल, और ये कॉल जब बड़ा हो जाता है, ये डिप्रेशन जब बड़ा हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेटल कहते हैं। तो बस इतने सा बात आप याद रख लीजिए। और दूसरा, अ हाई लैंड हैविंग फ्लैट नैरो टॉप विद स्टीप स्लोप ऑन वन साइड एंड नैरो जेंटल स्लोप ऑन द अदर साइड इज नोन एज एन एस्क्रेपमेंट। यानी कि एक साइड पे तो है जेंटल स्लोप, दूसरे साइड पे क्या है, एकदम से स्टीप स्लोप है, ऐसा कुछ। एक साइड पे स्टीप, एक साइड पे जेंटल, और यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है, इसको हम क्या कह देते हैं, एनस्क्रेपमेंट। क्लिफ क्या होती है आप सभी को पता है, डायग्राम से ही आप देख सकते हैं व्हाट इज क्लिफ। कुछ इस तरीके से क्लिफ बन जाती है। चलो नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले बात करें एरिया के अंदर, आपने सेमी पेरीमीटर हीरोज फॉर्मूला बोलते थे क्या इसको, अगर मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है तो बताइए, बचपन में ऐसा कुछ नाम सुना था क्या आपने। एरिया मेजर कर सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का, कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर बाय टू, और आप एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। मिड ऑर्डिनेट रूल के अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे जितने भी बाउंड्रीज होती हैं उनको क्या करेंगे हम, उनका एवरेज ले लेते हैं, मिड के जो पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर कर लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड विद द अजम्पशन दैट बाउंड्रीज बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ऑर्डिनेट्स आर स्ट्रेट लाइंस। इन लाइंस को मानते हैं स्ट्रेट सबसे पहले, फिर बेस लाइन इज डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ डिवीजन, आपने अलग अलग डिवीजन में इनको डिवाइड कर दिया, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इनके मिड वाले जो ऑर्डिनेट्स हैं, इनके मिड वाले ऑर्डिनेट 0 से लेके 1, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डिनेट, 1 से लेके 2, यहाँ पे सेकंड ऑर्डिनेट, 2 से लेके 3, थर्ड ऑर्डिनेट। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया यहाँ पे। तो एरिया जो है आपका किसके बराबर आ जाएगा इसमें, इस केस में सारे ऑर्डिनेट्स को आपने क्या कर दिया, एड कर दिया अप टू एन इंटू डी, ये आपका एरिया आ जाएगा। फिर अगर आगे बढ़े, सेकंड मेथड जो आपके पास आता है वो आता है एवरेज ऑर्डिनेट रूल। एवरेज ऑर्डिनेट रूल के अंदर क्या करते हैं, यहाँ भी हम बाउंड्रीज जो हैं, एक्सट्रीमिटीज जो हैं, इनको क्या माना हमने, स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया। ऑफसेट्स आर मेजर्ड टू ईच ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ बेस लाइन। आपने 0 to 1 इस तरीके से डिवीजन किया, हर डिवीजन के करस्पॉन्डिंग आपने क्या कर लिए, ऑर्डिनेट्स ले लिए। फिर आपने इन सब ऑर्डिनेट्स को ऐड किया, इनका एवरेज लिया आपने, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लेंथ से। फिर आता है ट्रेपेजॉइडल रूल। फिर आपने क्या किया, अलग अलग ट्रेपेजॉइड्स कंसीडर करते हैं, इस केस में हम और इन ट्रेपेजॉइड्स का एरिया जो है वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट ऑर्डिनेट लास्ट ऑर्डिनेट इन दोनों का तो एवरेज, और बाकी सारों को एज इट इज ऐड कर दो इंटू डी कर दो, जो इनके बीच में इंटरवल होता है या डिस्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट बात करें सिम्पसन 1/3 रूल जो आपका आता है। सिम्पसन 1/3 रूल के अंदर आप क्या करते हैं, टोटल एरिया कैलकुलेट आपको जो करना है वो आ जाएगा D/3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट का सम 4 टाइम्स
ऑड वाले प्लस टू टाइम्स इवन वाले। अब ऑड इवन में कंफ्यूज मत होना, यहां पे मैंने किससे शुरू किया है, जीरो से शुरू किया है। अगर आपने वन से शुरू किया है तो आप इसको इवन कहेंगे, इसको ऑड कहेंगे। तो आप ये ध्यान दे लेना, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है वो कहाँ लिखा है, जीरो से शुरू करते हुए। तो ओ जीरो प्लस ओ एन फर्स्ट और लास्ट, और उसके बाद फोर टाइम्स जो आपका ऑड। यहां पे मैंने कब लिखा, जब मैंने जीरो से काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो बस इसको आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, सिम्पसन वन थर्ड इज रूल व्हेन द नंबर ऑफ डिविजन आर इवन, यानी कि ऑफसेट्स ऑड हो, डिविजन इवन हो। चलिए आगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमने किए थे, इन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आप बस इनको क्वेश्चंस को आप पॉज करिएगा और आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि सारा एज इट इज आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। फिर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के आपको ये दो फॉर्मूला जो हैं ये याद करने हैं। क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद कर्व्स वाला पार्ट आ जाता है। कर्व्स वाला पार्ट हम कहाँ पे करेंगे, हाईवे के अंदर करेंगे। कर्व्स वाला पार्ट जो आपका आ जाएगा हाईवे के अंदर, उसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे वहां पे, क्योंकि वहां फिर से पढ़ना ही पड़ेगा ट्रांजिशन कर्व क्या है, ये कर्व वो कर्व सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं अपन, और आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है अन अकेडमी के ऊपर, वो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कोड संदीप 111 का, और IES और गेट जो है इनके क्लासेस भी अपने जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही अपना ये खत्म हो जाएगा SSC का, उसके बाद अपने शुरू कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर आप PDF से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो SSRJYANI आप सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, या आप सिंपल सर्च कर लीजिएगा संदीप जियानी या संदीप जियानी ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। चैनल ज्वाइन करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो सिर्फ चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। अगर आपको डिस्कस भी करने हैं, क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं, सब कुछ, कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन भेजता है आपको उसका आंसर देना है या आपको कुछ पूछना है, तो आप डिस्कशन के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल चैनल ज्वाइन कर लिए, आपको जो भी अपडेट्स मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, और नहीं अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए क्यों अच्छी नहीं लगी, क्या प्रॉब्लम है, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या और अच्छा हो सकता है। और इसी तरीके से मन लगा के बस पढ़ते रहिए, सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, सब पॉजिटिव होगा अगर आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को आप हैंडल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है संदीप, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद वाईफाई स्टडी, थैंक यू सो मच।